Oh yeah. Good evening, everyone. I'm very pleased to announce that Mr. Suryabhan Yadav, this year's rank 27, is here to guide you all about your about your prelims, mains, interview, whatever questions you have. Okay, sir is already in uh, already an IRS, serving in Ex uh, Customs and indirect taxes. He has cracked the Indian Forest Services with 67 rank, so he's a double rank holder. sir has given four consecutive interviews in upsc in, uh, in upsc in his all five attempts two forest interviews and rest sir himself will share with you so let's welcome suryamohan sir thank you ma'am for the brief introduction मैम ने मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि 2018 से मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज़ की ऐसा नहीं कि मैंने पाँच साल में निकाला मैंने उसके पहले भी दो साल में ब्रीफ़ बैकग्राउंड अपना बना लिया था कि मुझे मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है मुझे तैयारी शुरू कर कैसी करनी है मुझे पढ़ना क्या है तो लगता ऐसा है कि मैं मैंने 2018 से तैयारी शुरू की थी नहीं दो हज़ार दो साल जो है मैंने बैकग्राउंड बना लिया था अपने लिए तो ऐसा कोई नहीं समझे कि मैंने पाँच साल में चार साल इंटरव्यू चार साल चार बार लगातार इंटरव्यू दिया है तो बहुत कम समय में किया नहीं टाइम लगा है शायद किसी को कम टाइम लगता है किसी को ज़्यादा टाइम लगता है एक्सपीरियंसेस डिफर्स पर्सन टू पर्सन ठीक है लेट्स मूव ऑन तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विद प्रीलिम स्ट्रैटेजी करेक्ट हाँ कोई इश्यूज हो तो यू कैन रेज हैंड्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट मैटर एज वेल ठीक है कोई एक दो लोग खड़े होकर मुझे बता सकते हैं कि इस बार के प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं तो उन्हें क्या डिफिकल्टी महसूस हुई है कोई एक दो कोई भी कोई भी इट ड मैटर्स हाँ खड़े हो जाओ कोई भी हाँ बोलिए 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 बैठे बैठे बोलिए दिस इज नॉट अ क्लासरूम सर लाइक एवरी टाइम इट टू नो All the the options should be clear. Only then we can answer. Correct. This was the most difficult part. Any other observations, sir? Ah. Uh, दूसरी एक चीज है कितनी बार वो एग्जेक्ट uh, लाइन आ जा जाती थी या फिर बुक्स uh, में से अगर हम पढ़ के जा रहे हैं जो रिसोर्सेस है उसमें से, उस से डेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो यूजफुल रहता है इस बार तो कॉन्सेप्ट uh, था तो ठीक है ठीक है करेक्ट ऑब्जर्वेशन से आप लोगों के okay? पहले तो हम लोग एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी पे बहस कर लेंगे एंड देन सी साइड पर तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल रहा है तो इट हैज़ बीन अ केक वॉक फॉर मी आई कांट रियल आई कांट रियली इवन हेल्प माई फ्रेंड्स ठीक है चलो कोई बात नहीं वेल we'll स्टार्ट तो मुझे जो लगता है अभी कि आज के ज़माना में जैसे प्रीलिम्स के पेपर आ रहे हैं यू शुड हैव अ प्रिपरेशन दैट इज़ वेरी नॉलेज इंटेंसिव मार्केट डाउन हर बार से नॉलेज इंटेंसिव रहा है प्रिपरेशन द ओनली पॉइंट इज इन सर्च ऑफ एलिमिनेशन ट्रेक्स ओनली ऑप्शन एलिमिनेट करने के चक्कर में हमने कुछ शॉर्टकट्स डेवलप कर लिए एंड मे बी देर वॉज अ टाइम वेर इन दिस यूज टू वर्क वेरी वेल विद दस बट अब वो जमाना नहीं है पिछले दो तीन साल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो एलिमिनेशन टेक्निक्स भी थे उसमें ओनली ऑप्शन हट हट जा रहा था बार बार मतलब ओनली ऑप्शन वॉज करेक्ट इन फैक्ट पीपल यूज टू से दैट डेटा फैक्ट स्टेटिस्टिक्स के जो भी ऑप्शन होंगे दैट यूज टू बी जनरली रॉन्ग बट पिछले दो साल में ये भी ट्रेंड नहीं था कि मतलब अक्सर करके स्टैटिस्टिक्स करेक्ट हो जा रहे थे तो जो नॉलेज का पार्ट है तो आप नॉलेज इंटेंसिव प्रिपरेशन रखिए ठीक है मुझे ऐसा लगता है फिर एक तो ये है कि आप हर सब्जेक्ट्स में एक थ्रेशल लेवल की प्रिपरेशन रखिए ठीक है तो पहले तो आप मतलब प्रीलियम से ब्रॉडली एक तो नॉलेज इंटेंसिव नॉलेज है कोई बोले या ना बोले कोई ये कह दे कि मैं बिना पढ़े प्रीलिम्स तुक्के में निकाल लिया तो दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन एंड दैट डजेंट हैपन्स एज वेल ठीक है दूसरा आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो कि आपको हर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मुझे तो एंशंट मडाइवल में बहुत रटना है मुझसे नहीं हो पाएगा तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंशियंट मेडाइवल हरदम से क्वेश्चन आ रहे हैं आते रहेंगे और हर दम से टफ क्वेश्चन आएंगे बट आपको थ्रेश होता है बेयर मिनिमम आपको प्रिपेयर करना होगा अपने लिए क्यों इस बार का भी जो बहुत सारे मैं अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करूं आपके साथ धन्य कटका कि ये कहाँ पे ये सिचुएटेड है तो सब अब सबने आंसर देख लिया आंद्रा यस yes. ओके हो गया तो अगर आप मैं मेरा ये कहने का मतलब है अगर आप एंशंट मडाइवल पढ़ रहे हो ठीक है तो उसमें जो सोर्सेस जो भी हैं आपके उसको डाइवर्सिफाई मत कीजिए आप जो पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़िए पर एक समय के बाद आपको क्या होगा कि आप कोई और नई बुक खरीद लोगे और पढ़ने लगोगे तो वो बुक पढ़ने में आपको आसानी होगी मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ मैंने एनशेंट मडाइवल के लिए लूसेंट को अच्छे से पढ़ा एन पढ़ी अच्छे से और रमेश सिंह को एक बार स्कैन कर लिया और मैंने काफ़ी बार पढ़ लिया था उसके बाद जब मैंने रोमिला थापर को उठाया एंशियंट मेडाइवल को पढ़ने के लिए इट डिंट टेक मच टाइम मुझे हार्डली डेढ़ दिन लगा मुझे मालूम था मुझे क्या स्कैन करना है इसमें से केवल कीवर्ड्स उठाने उसके मीनिंग लिख लेना है मुझे कीवर्ड्स उठाना है मुझे लिख लेना है क्या नया चीज़ मुझे दिख रहा है मैं लिख लूँगा और मैंने सब सेव कर लिया तो समझ रहे हो ना कि मतलब अगर ये धन्यकटा की मैं बात करूँ मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर तो जो रोमिला थापर है उसकी लास्ट में आप जाके देखोगे ना उसके लास्ट के एकदम ग्लोजरी दिया होगा स्टार्टिंग में एकदम कि ये टर्म का मीनिंग ये है तो उसमें आपको कुल व्याप द्रोण व्याप जो 2020 के पेपर में आ चुका है वो सब मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो टर्म है एक बहुत सारे मैप से पूरे रोमिला थापर में उसमें भी बहुत जगह पे उन्होंने पूरे एंशंट टाइम्स के जो लोकेशन है उसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है विद इन मैप तो आपको वैसे हो जाएगा ठीक है तो माई पॉइंट इज कि अगर आप नॉलेज इंटेंसिव प्रिपरेशन रख रहे हो एंशियन मडाइवल के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपको क्वेश्चन होंगे क्यों नहीं होंगे ठीक है मूविंग <coughs> ऑन मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में स्टेबिलिटी कामनेस बहुत जरूरी है और ये कामनेस और स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस के साथ आता है और कॉन्फिडेंस कैसे आता है पढ़ने से अगर आपने पढ़ा अगेन वही बैक टू पॉइंट वन नॉलेज इंटेंसिव अगर आपने पढ़ा है तो आपको नॉलेज कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पढ़ा हो और आपको कॉन्फिडेंस न हो अपने आप पे मतलब आपने पढ़ा नहीं अगर ऐसा होगा तो ठीक है वॉट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू जॉट डाउन सम ऑफ सोर्सेज दैट आई हैव रिफर्ड फॉर सम ऑफ द सेगमेंट्स दैट पीपल फाइंड डिफिकल्ट और पीपल फाइंड इट स्लाइटली ऑन द टफर साइड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ठीक है कहाँ से ई होगा एक्सक्यूज़ नहीं कोई बात नहीं विल we'll स्टार्ट मैं अगर मैं मैंने जब 2018 में तैयारी की थी तो मैंने जब प्री दिया था फोर्थ ऑफ जून को मुझे आज भी आते थर्ड ऑफ जून को तो मुझे सेवेंटी टू मार्क्स थे फिर मैंने नाइनटीन में दिया तो मुझे वन ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स मार्क्स थे और उसका रीज़न ये है कि मैंने चार महीने प्री के पहले 19 के प्री के बुलेट पूरा डेडिकेट किया था प्रीलिम्स को क्योंकि मुझे एक चीज़ आप याद रखिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको एट स्ट्रेच चार महीने लगातार प्रीलिम्स पढ़ोगे तो आपका हर बार प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद से मैंने केवल दो डेढ़ महीने प्रीलिम्स को दिए होंगे हर अटेम्प्ट के लिए और आसानी से क्लियर हुआ है मुझे ऐसा कभी नहीं हेजिटेशन हुआ कि अरे इस बार मेरा नहीं होगा मुझे उसके बाद भी हंड्रेड मार्क्स थे ट्वेंटी के प्री में फिर ट्वेंटी में भी हंड्रेड मार्क्स थे ट्वेंटी का रिजल्ट तो नहीं आया तो पता नहीं अभी तो मेरा कहने का मतलब है आप पहले अटैम्प्ट में स्टार्टिंग के टाइम में क्या कीजिए अगर आप लोग में से सब लोग फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं क्या सभी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं दैट्स गुड देन इट्स ईजिया फॉर मी नाउ इसे रेस कर सकते हैं क्या देखो अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो मे जो मैंने जो किया था मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग के लगभग सौ दिन आप सिर्फ और सिर्फ केवल छः सब्जेक्ट्स पे फोकस रखिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी की ठीक है आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उन सब की मैं बात करूँगा पॉलिटी में आप क्या पढ़ रहे रहोगे लक्ष्मीकांत ठीक है इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे होंगे उसे आप ले लीजिए जो मैंने पढ़ा था वो एक विवेक सिंह की बुक आती है एनवायरनमेंट में पहले शंकर चलता था मैंने शंकर पढ़ी है पर अब शायद मैं सजेस्ट करूंगा पीएमएफ एम पढ़ने के लिए बहुत पॉपुलर हुई है वो बुक बट माइंड इट दैट यू नीड नॉट टू चेंज योर सोर्सेज अगेन एंड अगेन आपने अगर शंकर से पढ़ लिया तो आप शंकर को ही कंटिन्यू रखिए उसमें से आप पी एम को पढ़ करके आप एडिशन कर सकते हैं आप अपने मेन सोर्स को वही रखिएगा ठीक है आप ये नहीं कि आप एंशंट इंडिया के लिए एक बार लूसेंट पढ़ रहे हो ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो और सबको फिर जब रिवीजन की बात आ रही है चारों बुक सामने रखे ऐसे नहीं काम होगा आप एक को मेन सोर्स बनाइए उसमें पेपर्स डालते जाइए उसमें एड डाउन करते जाइए और फिर वो बुक भले ही कितनी मोटी बन जाए इट डजेंट मैटर्स ठीक है उसमें आप एडिशन करते रहिए फिर वैल्यू एडिशन से क्या होता है यू नीड नॉट टू वेंचर दैट बुक दैट पोर्शन दैट लिंक दैट डेस्क कुछ नहीं करना आपको. है आपको ठीक है कॉन्सोलिडेट कीजिए चीजों को और क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके साइंस एंड टेक के लिए ज्योग्राफी के लिए नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ की एनसीआर ठीक है आफ्टर थ्री फोर रिविजन यू कैन कट आउट दिस नाइन टेन को आप छोड़ दीजिएगा एलेवे ट्वेल्थ को कैरी ऑन कीजिएगा प्लस जी सी लिया जो आप पढ़ते हो इन जनरल वो तो पढ़ना ही है अगर हो सकता है तो पूरा बुक ना पढ़ के लास्ट के थर्टीन चैप्टर जो क्लाइमेटोलॉजी वाले हैं उस पर आप फोकस कीजिए और उसमें भी ऐसा नहीं कि यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन एंड एवरी टाइम यू कीप ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर यू नीड नॉट टू कीप ऑन रीडिंग आप क्या कीजिए एक चैप्टर है लेट्स से कि सावाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें आपको केवल दस की मिलने वाले हैं कि कितने प्रेसिपिटेशन होते हैं डायरनल क्लाइमेट चेंज होता है या जो भी क्लाइमेट क्लाइमेटिक टाइप है क्या वेजिटेशन पाई जाती है क्या फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं क्या ट्राइब्स हैं बस दैट्स इट इट हार्डली टेक्स इवन टू मिनट्स टू रिवाइज दैट वन चैप्टर ठीक है आधे घंटे में आप आफ्टर थ्री टू फाइव रिविजन आधे घंटे में आप जीसी लियोंग को आराम से स्कैन कर सकते हो दैट शुड बी योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर थ्री फोर रीडिंग्स ऑफ जीसी लियोंग दिस इज माई व्यू अगेन मैं थोड़ा सा जोग्राफी में डिटेल में जाऊंगा क्योंकि इस बार आया भी है एंड पीपल टेन टू इग्नोर इट टू अलॉट एक्सटेंट इलेवेंथ ट्वेल्थ की जो एनसीआर आप इसमें पढ़ोगे तो दो चीजों पे फोकस किया गया है एक एग्रीकल्चर का सेगमेंट है और एक मिनरल्स का सेगमेंट है करेक्ट अब आप देख लीजिए कि एग्रीकल्चर में यू शुड रीड विथ क्योरासिटी आप कहते हो कि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो इट इज़ बिकॉज यू हैवन रेड थिंग्स विथ क्योरासिटी अब एम में ट्वेंटी फोर क्रॉप्स है उसमें नाइगर सीड दिया हुआ है तो यू शुड रीड अबाउट इट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट आएगा आज नहीं तो कल तो आना ही है अब एग्रीकल्चर में जितने क्रॉप्स हैं आपके जो भी क्रॉप्स है राबी है खरीफ है आपको पता होना चाहिए कि राबी क्या है टर्मरिक भी आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही फ्रिंज क्रॉप है बट यू शुड नो अबाउट इट बेसिक क्रॉपिंग सिस्टम पता होना चाहिए ठीक है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में आप क्रॉप्स को उठा लीजिए एक एक क्रॉप का लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसर उनकी यील्ड क्या है ठीक है यानी प्रोडक्टिविटी क्या है उनका एरिया ऑफ प्रोडक्शन किसमें ज्यादा होता है जैसे कि सबसे ज्यादा किसमें होता है राइस में होता है फिर व्हीट में होता है फिर जैसा भी होगा कोर सीरियल्स है पल्सेस है ऑयल सीड्स है उनको एक फैशन में आप अरेंज कीजिए ठीक है एक ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड यू डू इट विद यील्ड एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऐसे करके हर पैरामीटर्स पे और ऐसे करके आप सारे क्रॉप्स के साथ कीजिए कम से कम बीस पच्चीस क्रॉप्स आराम से निकलेंगे चाहे सीसेम हो चाहे सनफ्लावर ऑयल हो चाहे ग्राम हो चाहे कुछ भी हो पल्सेस में भी आप डिफाइ चार पांच पल्सेस को ले लीजिए और सबको नहीं करना अगेन पल्सेस में टॉप थ्री पल्सेस उठा लीजिए आप या लेट से ऑयल शीट्स में टॉप थ्री ऑयल शीट्स को देख लीजिए आप उसके हिसाब से आप कर लीजिए अगर आप देखोगे लास्ट और लास्ट ईयर में वापस से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था ट्वेंटी नाइन्टीन या ट्वेंटी में ग्राम्स के ऊपर आया था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इस टाइप से कि इस स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसके मुकाबले तो मेरा कहने का मतलब है ये दोनों टॉपिक जो है यूपीएससी का फेवरेट रहा है इस बार भी दो क्वेश्चन आए मिनरल से दो ये नहीं पूछा है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बट ये पूछा एक टंगस्टन पे आया था टाइटेनियम पे कि एलिम ilmen, एलिमिनाइट और एक और था उसमें रूटाइल करके कुछ ठीक है वो किससे किस एलिमेंट से डिराइव होता है एक तो ये हो गया दूसरा था कि चलो वो तो कोबाल्ट था वो आप लोग को शायद इतना आइडिया नहीं होगा बट दैट डजन दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो एवरी थिंग मिनरल्स में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनस की वेबसाइट खोलोगी और उसकी एक एनुअल डेटा रिपोर्ट होती है आप कभी मतलब मैंने ये किया है मैं मैं चाहता हूँ आप सब लोग ये करो एक्सरसाइज अगर आपको नहीं करना है तो आई विल शेयर द नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल और समवेयर एल्स ठीक है यू विल गेट इट थ्रू सम अदर सोर्सेज मेजर मिनरल्स होते हैं माइनर मिनरल्स होते हैं ठीक है थीके? अब मेजर मिनरल्स में क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है मैंगनीज का कोबाल्ट का एल्यूमिनियम का उसका भी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सम सो एंड सो मिनरल ठीक है इस टाइप से आप हर मिनरल्स की लिख कीजिए सेम एक्सरसाइज दिस विल डायरेक्टली नॉट हेल्प इन एग्जाम माइंड इड यू कीप इन माइंड बट दिस विल इनडायरेक्टली हेल्प ऑप्शन एलिमिनेशन में काम करेगा बोल देगा कि पर्टिकुलर मिनरल इस स्टेट में प्रोडक्शन होता है बहुत हाई स्केल पर आपको पता है कि नहीं होता है तो आप मार्क करके आओगे इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हेल्प करने वाली जो एलिमिनेशन स्ट्रेटी था वो इनडायरेक्टली हेल्प करता था अब भी आपको इनडायरेक्टली हेल्प करने वाला है दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे दैट सून तो जोग्राफी में एलेवन ट्वेल्थ की एन सीआर ट जी सी लिय आप कर लीजिए प्लेसेस इन न्यूज के लिए अगेन आई आर का थ्री सिक्सटी फाइव आता है पी टी थ्री सिक्सटी फाइव उसमें बहुत सारे प्लेसेस इन न्यूज ऑलरेडी कवर्ड रहता है उसको भी ऐड कर लीजिए जोग्राफी के सोर्स में तो आप उसे अच्छे से करिए मतलब पीटी थ्री सिक्सटी फाइव तो करना ही है दैट्स अनडिस्प्यूटेबल बट उसका जो प्लेसेस इन न्यूज का सेगमेंट है उसको अच्छे से कवर करना इस बार भी दो क्वेश्चन आए प्लेसेस इन न्यूज़ पे और वो जो दोनों क्वेश्चन है इट वॉज कंसिस्टेंटली इन न्यूज़ इवन दो यू आर नॉट रीडिंग पी टी थ्री सिक्सटी फाइव इवन यू शुड भी रीडिंग न्यूज़ पेपर आधे घंटे न्यूज़ पेपर आप पढ़िए आधे घंटे में आपको मालूम पड़ जाएगा रोज़ एक आई आर के पेज में देखना आप रोज़ कहीं ना कहीं बम फूटेगा वो बम फूटे के पिछ नीचे आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो खर लिखा होगा या कोई प्लेस का नाम लिखा होगा जहाँ पे ये सब टेरर एक्टिविटीज या फिर सम वेरी हॉरिफिक इंसिडेंट या ग्लोबल इंसिडेंट ऐसा हो रहा होगा जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे कंसिड्रेशन के लिए तो ये रहा जोग्राफी के बारे में ठीक है अगेन मैं एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट पे अगर मैं कहूँ आपको जो इसका जो डेटा मिलेगा एग्री डेटा तो एक पॉकेट हैंडबुक डेटा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ठीक है उसमें आपको उसमें चार सौ पन्ने में बहुत सारे डेटा दिए हुए अगेन यू शुड नो वॉट टू रीड एंड वॉट नॉट टू रीड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई वॉट यू हैव टू बी नोइंग फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज मेजर क्रॉप्स को उठा लीजिए मेजर क्रॉप्स में देख लीजिए कि टॉप वन टू प्रोड्यूसर कौन है ज्यादा उसमें इतना डिवेल्प नहीं करना है कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है देख लीजिए ब्रॉडली ठीक है इट इज़ अ थ्री फोर हावर एक्सरसाइज बट यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम आप अगले चार साल में अगर आपको प्री देना हुआ मान लो ऐसा नौबत ना है बट अगर आ गई नौबत तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी कि ये एक्सरसाइज आपने किया है दूसरी बार आपको शायद दो घंटे में आप पूरा वो इत, चार सौ पन्ने की रिपोर्ट को आप स्कैन कर लोगे उसमें से चार पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल लोगे लिख लोगे आप ठीक है यू नीड यू नीड टू डू दिस एग्री पॉकेट हैंडबुक डेटा आता है ठीक है तो वो आप देख लीजिएगा दिस इज ऑल अबाउट जोग्राफी आपको किसी में से ऐसा लगता है क्या कि और कुछ ऐड करना चाहिए इसमें बताइए मुझे एक चीज याद आ गई एक जोग्राफी थ्रू मैप्स की मैंने एक बुक की थी ए एस कृष्ण मूर्ति की ठीक है ब्लू कलर की वो बुक है उसका पेज जो है कवर पेज ए एस कृष्ण मूर्ति की वो सब आप देख सकते हो उसमें क्या है कि सारे हिल्स एक जगह है सारे रिवर्स का कंपाइलेशन एक जगह है सारे लेक्स का कंपाइलेशन एक जगह है सारे क्रॉप्स का कंपाइलेशन की कहां पे क्या प्रोड्यूस होता है वो एक जगह तो दैट विल हेल्प यू इन ऑप्शन एलिमिनेशन इन सम ऑफ द समस्पल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्वेश्चन आया था कि तीन चार लेक्स के नाम दिए हुए थे और पूछा कि आर दीज मतलब नाम में तो ऑप्शन में तो क्वेश्चन में तो लेक लिखा नहीं था बट चार पांच नाम दे दिया बोला क्या है ये सब तो मुझे याद था कि उसमें से डिमडिमा जो है वो एक लेक है दैट्स ऑल आई नो चार चार चीज दी हुई है तो एक ही नाम आपको पता होना है आपको सारे नाम पता भी नहीं होना है एक नाम के बेसिस पे यू विल इजीली फाइंड दी आंसर व्हाट इज द आंसर इवन इन दिस ईयर देर वाज नेम ऑफ फाइव आर्कियोलॉजिस्ट गिवन एट फर्स्ट प्राइमर फेस हम जब देखते हैं क्वेश्चंस को जब मैंने देखा उस क्वेश्चन को मुझे लगा ये तो नहीं हो पाएगा छोड़ देते हैं इसे मतलब मैंने पेपर तो नहीं दिया बट जो मैंने देखा पेपर को बट लास्ट में एक नाम आया एलियॉट करके तो आई न्यू दैट दिस इज मैं थीम वन एन लास्ट में कहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड इवन आई हैव नॉट आईव नॉटर इट इज समवेर मैं एनसीआर एनसीआरटी रिगार्डिंग एक्सवेशन तो उसी बेसिस पे मैं बोल दूंगा कि ये आर्कियोलॉजिस्ट है आई डीड नॉट टू नो नो दर फोर नेम्स राइट वैसे ही लास्ट ईयर आए थे तीन नाम दिया था कुछ एक जैन मॉन्ग थे और एक भावा था और एक कुछ तो नाम था और वो तीनों मुझे मालूम है कि मुझे दो के नाम तो नहीं मालूम एक नाम पता था कि भाषा या भावा था मुझे मालूम है क्या है ही इज वॉज अ राइटर दैट्स इट डांसर इज प्ले राइट ठीक है तो आपको हर बार हर चीज पूरी चीज़ नहीं पता होगी कभी भी नहीं पता होगा अब मैं चार मिनरल्स बोल दूँ आपको उल्टे पुलटे नाम के आपको नहीं मालूम होगा एक भी मालूम हो गया आपको बस यू विल से दैट यस दिस इज मिनरल दिस इज नॉट समथिंग एल्स मतलब अगर मैंने ऑप्शन फ्रेम किया ऐसे तो, तो जितना एक्सटेंसिव रीडिंग से मैंने कहा नॉलेज इंटेंसिव प्रिपरेशन रखोगे एक्सटेंसिवली रीड करोगे और क्यूरोसिटी से रीड करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं आपके प्रियम्स में तो दिस इज ऑल अबाउट जोग्राफी दैट आई थिंक यू शुड बी डूइंग आई विल राइट द नेम ए एस कृष्ण मूर्ति मे बी इट इज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट्स अ गुड बुक आप इसमें भी अगेन किसी बुक से इतना लगाव नहीं रखना है कि उसके एक एक पन्ने को आप पढ़ो काट सकते हो पन्ने जो आपको लगता है ये मेरे लिए रेडेंडेंट है ये मेरे लिए काम करना है आप काट दीजिए हार्डली एनसीआरटीज में आपको दो तीन ही चैप्टर ऐसे लगेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उन बाकी चैप्टर्स में हार्डली आपको लगेगा कि अगर मैं लिखना शुरू करूँ चार से छह पॉइंट ही काम के मिलेंगे ठीक है तो कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑफ एलिमिनेशन जितना आप काटोगे बुक्स को स्ट्रक स्ट्रक डाउन करोगे कि मुझे ये नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना यही पढ़ना एग्जाम के लिए दैट विल जस्ट शॉट डाउन योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन दैट्स इट फॉर जोग्राफी ठीक है एनवायरमेंट में जो पी एम लिखा है मैंने ये पढ़िए आप देखिए ब्रॉडली आपको बुक्स तो पढ़ने हैं और मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप इन बुक्स को एक प्रीलीम्स के चार महीने पहले तक तीन चार बार पढ़ लीजिए तीन से चार बार ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे मान लीजिए पी एम में कितने पन्ने होंगे पाँच पन्ने होंगे उतने है भी नहीं थ्री फिफ्टी पेजेस हैं लेट से ठीक है सुबह से आप बैठे हो आपने डिसाइड किया कि आज मुझे पचास पेजेस पढ़ने हैं बस इतना ही मैं ज़्यादा नहीं उम्मीद करता लो टारगेट्स ठीक है पचास पेज लेट्स से बस इतना ही कितने दिन लगने चाहिए सेवन डेज सात दिन में ये भी कब रोज आप पचास पन्ने पढ़ रहे हो किसी बुक के कुछ नहीं है पचास पन्ने आपको इतनी रीडिंग स्किल होनी चाहिए आपकी कि आप पचास पन्ने रोज आराम से पढ़ लो ठीक है विद हार्डली पचास पन्ने पढ़ने में कितने टाइम लगेंगे आपको लेट से सेवन पेजेस एक आवर में पढ़ रहे हो सात घंटे आठ घंटे बस ठीक है तो सात दिन में आप पी एम पढ़ लोगे वैसे ही आप हर बुक का हर बुक को एक टारगेट बनाओ लक्ष्मीकांत में जो भी होगा लेट से आप आठ दिन में कंप्लीट कर रहे हो विवेक सिंह को तो और छोट कम टाइम में आपको कंप्लीट करना चाहिए पांच दिन में एक अपने स्पेस के हिसाब से अपने रीडिंग स्किल्स के हिसाब से आप सारे बुक्स का एक टारगेट बना लो स्टार्टिंग के महीनों में ठीक है दिस इज फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन ठीक है आप बुक्स लिखिए एंड डेज लिख लीजिए लक्ष्मीकांत डेट डे है मान लीजिए एनवायरमेंट का लेट से वी हैव डिसाइडेड इट्स जस्ट सेवन डेज सी यू हैव टू डिसाइड विद योर स्पीड ठीक है डोंट टेक दिस नंबर्स फॉर ग्रांटेड ठीक है डोंट जस्ट बिलीव ब्लाइंडली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर अप्लाई योर माइंड एज वेल वेर एवर यू आर ट्राइंग टू यूज माई नॉलेज वट आई एम शेयरिंग यर पूरा जोग्राफी में मान लीजिए आपने आठ दिन डिवोट कर दिया ठीक है साइंस एंड टेक में माई सजेशन इज पी टी उठा लीजिए अभी से ही आप यू डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स का रिलीज ठीक है आप अभी जो एग्जाम हुआ 2022, 2023 का प्रीलिम्स उसके लिए पी टी थ्री सिक्सटी फाइव आई है साइंस एंड की वो पढ़ लीजिए अभी से ही आप मत सोचिए कि मुझे नेक्स्ट ईयर पढ़ना है मैंने तो यही किया था मैं तो 2018 का पहले से पढ़ने लगा 2019 में तो आप ये पहले से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए प्लस जिस जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है और जिन्हें लगता है कि नहीं मेरी बहुत वीक है साइंस और मुझे कोई बहुत अच्छा नॉलेज की जरूरत है इसके लिए तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि विजार्ड पब्लिकेशन की एक साइंस की बुक आती है विजार्ड पब्लिकेशन ठीक है यू कैन रिफर दैट विजार्ड पब्लिकेशन ठीक है उसमें भी अगेन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाट यू आर नॉट रीडिंग एंड व्हाट इज रेलेवेंट तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ट्वेंटी में देखा था कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रेन सेटेलाइट में क्या डिफरेंसेज है यू कैन डू दिस फ्रॉम यर इट माइट हैव नॉट माइ एंड जस्ट टू यूर सरप्राइज दिस क्वेश्चन अपियर इन ट्वेंटी prelims फिल्म एग्जामिनेशन एंड दिस क्वेश्चन वॉज in इन ट्वेंटी एटीन का पीटी थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है लाइकवाइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बी सेल्स के बारे में पूछा था फिल्म कि वॉट आर बी सेल्स एंड दैट वॉज नॉट एक्जैक्टली मैंशनड इन पी 365 सिक्सटी फाइव दैट ईयर बट इट वॉज मैंशनड इन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन का पीटी थ्री सिक्सटी फाइव सो देर आर को रिलेशन यू माइट नॉट फाइंड वॉट इज बिंग मैंशन दिस ईयर बट यू माइट फाइंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ठीक है ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एक साल में आए हो तो एक ही साल में करके जाना इट माइट टेक मोर देन वन ईयर एज वेल एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट तो पी टी थ्री सिक्सटी फाइव है विजाड़ पब्लिकेशन है और आप विजन के टेस्ट कर लीजिए या कोई भी एक कोचिंग के उठा लीजिए टेस्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है आई वॉन्ट टू गो लिटिल मोर इन डिटेल इन इन्वयरमेंट इट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज भी क्लियर किया हुआ है तो इन्वायरमेंट उसमें अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्वायरमेंट पर फोकस कैसे करेंगे देखिए बहुत सारे सेगमेंट्स से, है मैं लिख नहीं पाऊंगा ज़्यादा मैं बोलूंगा बस इन्वायरमेंट में एक हो गया कॉन्सेप्चुअल प्लाट वो पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर्स वो सब चीज़ अलग है ठीक है डाइवर्सिटी बेसिक फंक्शंस इकोसिस्टम ये सब और एक सेगमेंट है पूरा फैक्चुअल जैसे स्पीशीज क्या है उनके स्टेटस क्या है बायो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है नेशनल पार्क क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है रामसर साइट्स क्या है वेटलैंड्स कौन सा कहाँ पर है हिल्स क्या है रिवर्स क्या है वो सब तो मैंने एक चीज आपको बार बार एम्फोसिस किया रीड विथ क्यूरोसिटी आई से सो बिकॉज अगर आप कोई लेट से की रैंडम नेशनल पार्क आप ले लीजिए कोई भी एक से संजय गांधी नेशनल पार्क ले लीजिए जो मुंबई में है ठीक है बोरीवली में मैं पूछता हूं कि वेन एवर आई एम ट्राइंग टू रीड इट आई विल डवेल अपॉन मल्टीपल फैक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती हैं क्या उधर टाइगर पाया जाता है अगर कोई पूछता है तो मुझे मालूम होना चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंट स्पीशीज है टाइगर तो है इंपॉर्टेंट क्या रिवर पास हो रहा है क्या नेशनल पार्क क्या वहाँ पे हिल्स हैं क्या उसकी इकोलॉजी है ब्रॉडली आप जान लीजिए जा, आपको सब कुछ नहीं मालूम हो सकता उसकी कोई चार पांच खासियत होगी जो आपको पता होना चाहिए इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पी एम में दिया होगा नो no डाउट ठीक है नो no डाउट इसमें दिया होगा बट आप थोड़ा खुद से भी गूगलिंग करिए जितना हो सकता है गूगलिंग करके दो चार लाइन आप लिख लीजिए कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है इस इस नेशनल पार्क के बारे में और मैं लास्ट में इसको रिवाइज कर लूंगा ठीक है तो दैट व्हाट दिस विल क्रिएट इज विद मोर क्यूरोसिटी यू विल इंक्रीज योर स्पीड ऑफ गूगलिंग अंडरस्टैंडिंग रीडिंग मुझे कैसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है वो जल्दी हो जाएगा आपका तो वॉट हैपन्ड इन लास्ट फ्यू ईयर वेन आई बिकेम प्रो एट रीडिंग कि मुझे कोई भी नेशनल पार्क मिलता गूगल किया हार्डली मुझे चार सेंटेंस निकालना है मैंने कॉपी पेस्ट कर ली अपने एवं नोट में आई गॉट गुड मटेरियल आई नीड नॉट टू कीप ऑन डिवेल्पिंग अपॉन इट तो आप क्या करिए पहला एक्सरसाइज आपका होगा अठारह जो भी बायोस्फीयर रिज़र्व है उसके बारे में आप लिख लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे जो अंडामान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है एंड निकोबार में वहाँ पे वो जो बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है वो दो नेशनल पार्क से बना हुआ है ठीक है वो आपको पता होना चाहिए कौन दो नेशनल पार्क से वैसे सारे बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ ना कुछ नेशनल पार्कस होंगे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे वो आपको पता होना चाहिए क्या रिवर पास हो रहा है अगेन वो पता होना चाहिए कौन से हिल्स में है वो पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे कि आपने देखा होगा ट्रेंड भी 2019 और 18 में अगस्त मलाई बायस्ती रिजर्व के ऊपर आया था और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर दी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट आर बीइंग मतलब ऐसा कि दीज आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिजर्व्स तो अगर आपको वो पता होगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किसके कौन सा सेंचुरीज ये नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है तो आप कर लोगे पर आपको ये क्यूरसिटी से आएगा ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई मटेरियल में मिल जाएगा एक्स वाई जेड मटेरियल में नहीं हो सकता इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ठीक है हर चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी कुछ कुछ चीज़ें आप क्यूरॉसिटी से डेवलप कीजिए okay. मैंने बताया तो आप रामसर साइट्स के ऊपर पढ़िए अच्छे से हर रामसर साइट्स के ऊपर तो आप नहीं पढ़ सकते कुछ कुछ तो प्रोमिनेंट रामसर साइट्स होंगे ही उसके ऊपर एक लाइन देख लीजिए कि लेट से वेटलैंड है तो कोई रिवर फीड कर रही है क्या कोई पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे या यहाँ पे ऐसा क्या इस इकोलॉजी का मतलब इंपॉर्टेंस है कुछ तो होगा कुछ नहीं कोई बात नहीं कुछ तो एक लाइन तो मिलेगा आपको दिस यू हैव टू डू द एक्सरसाइज विद एंटायर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायर रिजर्व पीपल माइट से दैट दिस टॉपिक्स बिकम रिडेंडेंट एंड इट इज अबियॉन्ड द स्को ऑफ यूपीएससी नाउ But I don't believe in what people say. You should believe yourself. You should be confident of what you are reading and you should be confident of what you want to skip in the entire journey. Coming back to environment, PT365 Scope, chance, risk. Along with that, you have to solve sectional test. See, I say so because. मैंने विजन का दो साल टेस्ट लगाया था एन्वायरमेंट का सेक्शनल सेक्शनल टेस्ट इज वैलिड फॉर अगेन कीप इन माइंड इकोनॉमी तो मस्ट है एनवायरमेंट मस्ट है और साइंस एंड टेक मस्ट है ठीक है ये तीनों के सेक्शनल टेस्ट आपको कम से कम चार से पाँच बार रिवाइज करना है बिफोर प्रलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर आपको एन्वायरमेंट में जैसे मैंने बताया कि बाईस पे कैसे सर्च करना है वॉट आई विल डू इज आई विल शेयर द मटीरियल विद द ma'am or the coordinator over here and they will give you an a hint how how do you need to dwell upon it i have an evernote that i am trying to compile as of now it's not yet completed but once i share it you will get an idea of what i need to do you need not to write keep on writing national park hai. it has a tropical deciduous trees as no nothing tropical deciduous plus this plus this plus this khatam Koi species hai to kis appendix mein CITES schedule mein wildlife protection act ke क्या उसका आई सी एन स्टेटस है वॉट इज इफ देर इज सम यूनिक फीचर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज अगेन देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज यू नीड नॉट टू डिवेलप ऑन एवरी थिंग मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूं बाईस स्पीशीज पे ये बाईस मैंने क्यों नंबर दिया इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम है ठीक है जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर है उसमें ट्वेंटी टू स्पीशीज हैं ठीक है थीके? उसको आप पढ़िए उसमें टाइगर है लायन है इस टाइप की स्पीशीज हैं ठीक है कैराक रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें तो द पॉइंट इज कि इफ यू आर कवरिंग दीज स्पीशीज वेरी होलिस्टिकली एवरी ईयर सम और अदर वे दे विल आज दिस क्वेश्चन विल इस फ्रॉम दिस स्पीशीज या फिर वो स्पीशीज होंगे जो न्यूज़ में होंगे तो एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉलेज इंटेंसिव प्रिपेरेशन आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़िए आप बुक को तो पढ़ना ही है प्लस पीटी टी थ्री सिक्सटी फाइव री रिविजन करना है एक नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं मैं तो कहता हूँ पांच बार हो सके तो पांच बार कीजिए पर बेर मिनिमम आप एकदम मजबूरी में हो तो तीन बार कीजिए और अगर हो सके तो पांच बार कीजिए ठीक है मतलब एवरेज चार बार तो करना है आपको बिफोर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ठीक है और क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके बताओ हिस्ट्री तो हिस्ट्री में तीन सेगमेंट्स हैं आप लिखिए एनशेंट हिस्ट्री मेडाइवल और मॉडर्न है तो एनशेंट हिस्ट्री के लिए मैंने जो पढ़ा है सबसे पहले तो आप लूसेंट पढ़िए ठीक है थीके? या उसके भी पहले आप एन पढ़ लीजिए क्लास सिक्स की एन और थीम वन ऑफ एन ठीक है ये दो बुक और इन्हें पढ़ने के बाद आपको मालूम जब आप चार पांच बार पढ़ लोगे आपको मालूम पड़ेगा कि थीम वन जो है एन की वो हार्डली तीन घंटे की बुक है वो उसमें आपको सिर्फ टर्म्स देखना है और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखने हैं बस उसके टाइमलाइन और कुछ नहीं देखना है उसमें आपको अगर आप सही से पढ़ने स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत लेंदी है बट नहीं लेंदी मैं मतलब मुझे याद है कि जितनी भी एन की टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की साथ मैं एक दिन में ख़त्म करता था क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कीप ऑन हाईलाइटिंग दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस आई नीड टू नो दिस आई डोंट नीड टू नो ऐसे करोगे तो क्या होगा आपका इतनी मोटी बुक आपकी कंप्रेस हो जाएगी इट विल हार्डली टेक वन आवर फॉर वन एन दैट शुड बी योर लेवल प्रिपरेशन एक बार में नहीं होगा आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दो बार में नहीं होगा मल्टीपल टाइम्स में होगा ठीक है किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मीनवल अभी जहां तक हम लोग हैं अभी मैं प्रलियम्स डिस्कस कर रहा हूँ इसके बाद आई विल ट्राई टू डिस्कस समथिंग अबाउट मैथामेटिक सॉरी मेन स्ट्रेटेजी और फिर मैथ्स के ऊपर अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो विल डिस्कस फॉर शॉर्ट टाइम बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मैथामेटिक्स आई अंडस्टैंड किसके लिए किस सब्जेक्ट के लिए जो प्रीलिम के लिए मेंशन आपने किया सर इसके लिए कोचिंग के नोट्स ही काफी है या फिर रेफरेंस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा इट्स योर पर्सनल चॉइस बट जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूं आपको जो मुझे जमा है अगर आप कोचिंग के जो नोट्स पढ़ रहे हो और आपको आपसे क्वेश्चंस बन रहे अच्छे से हो रहा है तो आप उसे रिफर कीजिए बट आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के उसमें से ऐड ऑन कर लीजिए आप ऐसा मत कीजिए कि मतलब कोचिंग के नोट्स के भरोसे एकदम बैठ गए बैठ गए और आपने सब छोड़ दिया ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड बी रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल स्टैंडर्ड बुक से क्या होगा हो सकता है कि कोचिंग के नोट्स और स्टैंडर्ड बुक जो है पूरा ओवरलैप कर रहा हो तो ठीक है कोई बात नहीं हम स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे एक बेस मटेरियल होना चाहिए मैंने पहले ही बताया चीज़ को एक बेस मटेरियल बना लीजिए आप और उसके बाद यू कीप ऑन एडिंग थिंग्स ठीक है अब जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में आपको एक बार आपने पढ़ लिया क्लास सिक्स की एनसीईआरटी और थीम वन की एनसीईआरटी उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए लूसेंट में सिर्फ आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है क्या करना है सिर्फ रटना है वो बना ही है उस एग्जाम्स के लिए और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जितने प्रिपरेशंस की जर्नी है जितनी भी है मैंने हर बार पढ़ा है और हर बार फायदा हुआ है आई कैन विद एंटायर ऑनेस्टी से दैट लास्ट ईयर चार क्वेश्चन लूसेंट से हो सकते थे लास्ट ईयर चार क्वेश्चन एक फनेम एम कॉइंस के ऊपर आया था उसमें क्लियरली मैंशनड है महापुराण एक जैन लिटरेचर उसके ऊपर था अशोका अवधाना था वो उसके अंदर मेन्शं था चार अशोका के मेजर एडिक्ट जहां जहां है उसके साइट्स और उनके स्टेट्स मैचअप करने थे वो उसमें बहुत क्लियरली मैंशनड है आप उसे पढ़िए क्योंकि मुझे ऐसा लग और एक डायनेस्टी का क्वेश्चन था कि व्हाट द डायनेस्टी दैट वेयर इन सॉरी That were in time in the post Gupta period. Again, that is mentioned in that is so obvious in a, uh, Lucent कि वो दो पेज से question तीन क्वेश्चन आ गए थे ठीक है तो not targeting questions but we should be knowing a lot of things. At least majority of things we should be knowing. मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था ancient history and medieval history मुझे आती नहीं थी स्टार्टिंग में but मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे मालूम पड़ा और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया एंशियट मेडाइवल और आर्ट एंड कल्चर क्या करूं मैं मुझे अच्छा लगने लगा और रटने में तो और मजा आता है आजकल एग्जाम ही वैसा है नीड टू यू नीड टू फॉलो दैट ट्रेंड अच्छा सर और न्यूज़पेपर के लिए मतलब एडिटोरियल लेक्चर उसका सब्सिट्यूट हो सकता है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना ही मस्ट है स्टार्टिंग में देखिए अगर आपको एडिटोरियल लेक्चर मतलब हेल्प करेंगे समझने के लिए क्योंकि आप अभी एकदम न्यू बाई हो ठीक है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ध्यान से सुनिएगा इनके क्वेश्चन के लिए आप एक फ्रेमवर्क में आइए कि आपको जो मैं बता रहा हूँ छह जो स्टैंडर्ड बुक्स है इकोनॉमी पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री एनवायरमेंट जोग्राफी और एंशन एम मान लीजिए ये छह सब्जेक्ट्स के लिए प्राइमरीली आप जो है दो महीने तीन महीने डेडिकेट करके जो मैंने बताया था आठ दिन पाँच दिन डेडिकेट करके आप इन्हें एक दो बार खत्म कर लीजिए एक दो बार खत्म कर लेंगे तो आपका बैकग्राउंड बन जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है अब अदरवाइज़ क्या होगा यू विल कीप ऑन रीडिंग सब्जेक्ट्स एंड यू विल फाइंड लॉस्ट एवरी एवरी टाइम आप आधा इकोनॉमी पढ़ोगे आधा इन्वायरमेंट से लिंक करेगा आप समझ नहीं पाओगे न्यूज पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस को ठीक है तो अगर एक बार आपका ये बेस तैयार हो जाएगा ना तो दोबारा जब आप रीडिंग करोगे तो शायद पहली रीडिंग में आपको साठ दिन लगेंगे इस पूरे को रीड करने में सेकेंड रीडिंग में इट माइट टेक ओनली फोर्टी फाइव डेज थर्ड रीडिंग में इट माइट टेक ओनली फोर्टी डेज फोर्थ रीडिंग में और कम हो जाएगा ठीक है ग्रेजुअली इट विल कीप ऑन रेड्यूसिंग विद टाइम एंड ट्रस्ट मी लास्ट लास्ट में क्या होता था दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी एस्पिरेंट दैट आई हैव मेट दोस हु हैव ऑलरेडी क्रैक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विद वेरी इज़ व्हाट दे डू इज एग्जाम के सात दिन पहले एक दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करते हैं एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पूरा रिवाइज कर लेते हैं से, एक दिन में आर्ट एंड कल्चर और मेंशन में डेवल करते हैं एक दिन में दे रीड इंटायर इकोनॉमी जितना हो सकता है उतना करते हैं और उसके दो तीन दिन में वो पूरे पीटी थ्री सिक्सटी फाइव को रिवाइज कर लेते हैं तो दस दिन में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो आप ठीक है दैट इज देयर लेवल ऑफ प्रिपेरेशन आफ्टर रीडिंग फोर टू फाइव टू सेवन टाइम्स एंड यू शुड दैट डिसेंसी कि आप उतना कर लो अदरवाइज़ क्या होगा आपको चीज़ें ऐसा लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में अरे ये कहीं पढ़ा था आपको याद ही नहीं आएगा इकोनॉमी में पड़ा है कि एन्वायरमेंट में पड़ा है दैट हैपन्स दैट है इवन आई सफर्ड द सेम कि मुझे याद नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर स्कीम ट्वेंटी एटीन के एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में होता है एवरीबडी फेसिज दीज इशूज बट विद मल्टीपल रिविजन यू विल हैव क्लैरिटी कि हाँ नहीं ये तो ऐसे ही होता है ठीक है अच्छा सर जैसे कि लोग बोलते हैं मतलब कि जैसे मैंने बताया कि एडिटोरियल का सब शुरू का हो सकता है लेक्चर या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना ही मस्ट है तो सर मतलब एडिटोरियल से अगर थॉट प्रोसेस डेवलप हो जा रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही मस्ट है या फिर उससे काम हो सकता है नहीं देखिए इसमें मैं यही कहूंगा आप एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ सकते हो स्टार्टिंग के एक दो दो तीन महीने के लिए जब तक आप यू आर नॉट वेल प्रिपेयर बट मुझे ऐसा लगता है जो एडिटोरियल पढ़ने में आपको तीन मिनट लगेगा रीडिंग स्पीड आपकी ऐसी बन जाएगी कि तीन मिनट लगेगा तो आप पंद्रह मिनट का एडिटोरियल एनालिसिस क्यों देखोगे आप ठीक है और अगर आपको और मतलब उसमें और पॉइंट्स मिल रहे हैं पर देखो मैं तो समझता हूँ कि आप पढ़िए न्यूज़पेपर इट्स अ स्किल इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन आपको कोई फीड करेगा तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू बट पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी वाला बंदा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद से पढ़ के करूँगा मैंने मैथ्स ऑप्शनल की भी इसलिए कोचिंग नहीं की कि मुझे लगा कि मुझे मैथ्स कोई पढ़ाएगा ठीक है बट मैं अपने आप से पढ़ना चाहता हूँ दैट इज़ माई व्यू एवरीबडी हैव देयर ओन डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट व्यूज हैव देयर डिफरेंट implications as well. You choose accordingly what suits you. Correct. अब एंशंट का तो हो गया ठीक है अगर आप लोग रोमिला था पर उठा सकते हो तो पढ़िए उस बुक को ऑनलाइन एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसमें पढ़ना नहीं है आपको उसके स्टार्टिंग के पांच छह पेजेस में ग्लॉजरी दी हुई होगी ठीक है की टर्म्स की मीनिंग उसको उठा लीजिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहीं से आईपैड में फोन में कहीं से भी और लास्ट के पेजेस में बहुत सारे मैप दिए होंगे ठीक है उन और उन मैप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन मैप्स को केवल आप पढ़िए कि क्या प्लेसेस कहां पर है बहुत सारे एंशियट सिटीज के नाम उसमें आपको मिल जाएंगे एंशियट प्लेसेस के नाम उससे आपको फायदा हो जाएगा ठीक है जनरली जो चीजें नहीं मिलती है मुझे मुझे फायदा हुआ है एंड आई सजेस्ट दिस टू एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल मेडाइवल में सेम से क्लास की एनसीआर प्लस थीम पार्ट टू देन कमिंग बैक टू लूसेंट अगेन लूसेंट आपको एक बार में नहीं याद होगा ध्यान रखिएगा आपको हर महीने उसको तो ऐसे बना लेना है कि ये तो मुझे दर्शन देने हैं लूसेंट के मतलब स्टार्टिंग के हार्डली इट्स सिक्सटी सिक्स पेज दैट इज एंटायरली डेडिकेटेड टू एंशियट एंड अटाइवल बट आई बिलीव दैट इट हैज हेल्प्ड मोर देन एनी अदर बुक दैट सिक्सटी सिक्स पेजेज इन माई एंटायर प्रिपरेशन जर्नी मतलब पीपल टेक इट फॉर वेरी लाइटली एंड ग्रांटेड इवन पीपल हु मल्टीपल टाइम दे से दैट डोंट रीड लूस एंड मेरा पर्टिकुलर व्यू है कि यू शुड रीड इट एंड आई विल से यू वंस यू रीड इट यू विल फाइंड दैट इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड इवन इन एग्जाम यूपीएससी एग्जामिनेशन हाफ ऑफ द कैन कैन बी सॉल्व फ्रॉम दैट ठीक है ट्रस्ट मी यू ट्राई दिस वंस और उपेंद्र उपेंद्र सिंह की एक हिस्ट्री की बुक आती है अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी पढ़िए आप मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ग्लॉजरी और उसमें जो मैप्स होंगे उसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप जैसे कुल्य वाप द्रोणवाप मैंने कहा था बहुत सारे पोर्ट्स के नाम है वो सब वो ब्राउजरी में लोग लो मेंशन कर देते हैं ऑलरेडी सो यू नीड नॉट टू अगेन कीप ऑन सर्चिंग कीप ऑन ब्राउजिंग थिंग्स यू जस्ट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट रीट दो यूपीएससी भी उसी में से उठाता है, कहां पे? अच्छा ये बच्चों को नहीं पता होगा यही पूछते हैं इस बार दे डोंट हैव टाइम टू कीप ऑन ट्वेल्विंग ठीक है वो बस वैसे ही है ठीक है मूविंग टू मॉडर्न मॉडर्न में अगेन देर इज नो थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है बट यू नीड टू रीड स्पेक्ट्रम हर बार पढ़ना है हर बार मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया मिल जाता है एंड आई वंडर कि अरे मैंने तो इसको कितनी बार पढ़ा है फिर भी नहीं मुझे पता है ये चीज़ कहाँ से आ गई एंड स्पेक्ट्रम का आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है इवन द अपेंडिक्स पेज आई समटाइम्स आस्क सम ऑफ समाई फ्रेंड्स की ये पर्टिकुलर एसोसिएशन कब बना था तो पूछते हैं कि अरे ये तो है ही नहीं मॉडर्न में स्पेक्ट्रम में बट आई फाइंड इट इन द अपेंडिक्स पेज कि नेशनल एसोसिएशन फॉर एंटी कॉपरेशन नॉन काऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट में एक एंटी कॉपरेशन का एक फ्रंट खुला था तो हु फाउंडड तो दे दे से दैट आई डोंट नो वी डोंट नो बट इट्स मैंशनड इन दैट पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री बुक बट उस अपेंडिक्स के सेगमेंट में जहाँ पे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर छोटा छोटा दिया हुआ है अलॉन्ग विद दैट आई वुड सजेस्ट कि एक टॉपर है एयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइनटीन और ट्वेंटी एग्जाम के मंदार पाट की वो सर का आप जो है ना मॉडर्न का कंपाइलेशन है वो उठा लीजिए आप मतलब वो तो लेना ही है मार्केट से आप ले लीजिए कहीं भी मिल जाएगा मुझे लगता है तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने सब चीज़ों को कंपाइल कर दिया है एक ही जगह पे सारे ऑर्गेनाइजेशन है एक ही जगह पे सारे जो भी कॉन्स्परेसीज थे एक ही जगह पे सारे कमीशन हैं तो हार्डली इट्स अ फोर्टी पेज डॉक्यूमेंट सब उसमें रटना है उसमें मॉडर्न स्पेक्ट्रम जैसा एनालिसिस नहीं है कुछ सब रटना है आपको बट आफ्टर थ्री फोर रिविजन यू विल फाइंड दैट यू आर एट मच ईज इन मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है चीज़, ठीक है कि अगर आप एक बार पढ़ लो तो ठीक है उसकी एनसीआर टी इलेवेंथ क्लास की अदरवाइज नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए विद ड्यू प्रिपरेशन आप करते रहोगे करते रहोगे तो आपको वो भी आ जाएगा मतलब तो आप सीख जाओगे क्या है क्या नहीं है वो चीजें yeah. हाँ है करेक्ट इसमें मेरा मानना कि आप बिपिन चंद्र को फर्स्ट रीडिंग कर सकते हो ठीक है बिपिन चंद्र को आप फर्स्ट रीडिंग दे सकते हो क्योंकि उसमें स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ है आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा बट दैट स्टोरी फॉर्मेट में फैक्ट्स नहीं जो यूपीएस एग्जामिनेशन पूछता है तो यू कांट Every time you have to read the facts, you cannot go up to Bibin Chandra and find the fact kahan pe hai ye fact कहाँ पे है ये na कहाँ पे ये spectrum ना तो उसके लिए spectrum helps you. Therefore, I said that यू देर फोर आई सेट दट स्पेक्ट्रम इज अ कम्पाइलेन इन दैट कंटेक्स इट विल हेल्प तो आप एक बार स्टोरी रीडिंग समझने के लिए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्या था आप उसके लिए स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र पढ़ सकते हो बट फाइनली यू हैव टू कम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन स्पेक्ट्रम मैं तो कहता हूँ कि आप वो भी मत बिपिन चंद्र भी मत देखिए स्पेक्ट्रम को दो तीन रिविजन करिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री इट्स वेरी सिंपल हिस्ट्री यू जस्ट हैव टू रीड इट यू रीड इट ट्वाइस यू विल फाइंड दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू मैंने बीपिन चंद्र पढ़ा मुझे फायदा हुआ था ठीक है एक बेसिक कंटेक्ट बन गया क्या पढ़ना है बट टाइम वेस्ट भी मुझे लगा बाद में कि अगर मैंने स्पेक्ट्रम ही दो तीन बार पढ़ ली होती तो शायद ज़्यादा चीजें मुझे आज याद रहती और कोई सब्जेक्ट छूट रहा है इसमें से करंट अफेयर्स है विल डू इट बट एनी एनी अदर सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर सॉरी मंदार पाट की मंदार पाठ की सर रैंक ट्वेंटी टू ट्वेंटी एग्जाम उनका हिस्ट्री का कंपाइलेशन आई रिसेंटली केम दैट आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानी अनडिस्प्यूटेड मटेरियल एज ऑफ नाउ ठीक है और अगर कोई और भी मटेरियल मिलता है तो आप उसमें एड ऑन कर लीजिए या सप्रैक्ट कर लीजिए जो आपको समझ में आता है बट अकॉर्डिंग टू एज पर योर कम्फर्ट हाँ फाइन आर्ट्स की जो एन है यू नीड नॉट टू कीप ऑन रीडिंग इट अगेन 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 मैंने क्या किया मैंने फाइन आर्ट्स की एन सी टी पी फॉर्मेट में खोला और कॉपी पेस्ट कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जो मुझे लगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो फाइन आर्ट्स की वो सब पेज की वन थर्टी पेजेस की जो बुक है वो हार्डली इट केम इनटू जस्ट फोर फाइव पेजेस इन वर्ड फाइल तो वो आपको करना क्या बार बार आप यू कैन नॉट कीप ऑन रीडिंग एन टी बुक सो लॉन्ग ना तो आप क्या कीजिए कॉपी पेस्ट कर लीजिए और एक टेलीग्राम चैनल अपना बना लीजिए दो दोस्तों के साथ उसमें कंटेंट ऐसे शेयर करते रहिए मैंने यही किया था ठीक है और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा दो तीन लोग आपस में बना लो चैनल और एक एक बुक पढ़ो और उसके कंटेंट के कंपाइलेशन समरी डाल दीजिए मैंने रोमिला थापर पढ़ी थी पढ़ना नहीं चाहिए था डेढ़ दिन लगे मुझे और मैंने उसका क्या किया जो समरी था मैंने रख लिया अपने पास अब वो समरी मेरे पास पड़ी है मैंने दस बारह दोस्तों के बीच में शेयर भी किया उस समरी को तो दैट हेल्प्स मी इन रिवाइजिंग सर्टन थिंग्स ठीक है यू नीड नॉट टू रीड एवरी पेज फाइव सिक्सटी पेजेस की बुक है आप कब तक पढ़ते रहोगे इतना टाइम नहीं है अपने पास ठीक है करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि देर आर टू वेज वन वे इज़ दैट यू रीड न्यूज़ पेपर एंड हैव कोचिंग का मटेरियल मंथली करंट अफेयर्स दूसरा है कि आप करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़िए सुबह में और शाम में कोई भी एक डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स की वेबसाइट उठाइए और पढ़ लीजिए वहां से मुझे जो अच्छा लगता है ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से सुबह में और शाम के समय में आप जो भी विजन का या जो भी मंथली करंट अफेयर आप रेफर कर रहे हो उसको एक उठा लीजिए उसके आठ नौ पन्ने पढ़ लीजिए प्रीवियस मंथ के तो इससे क्या होगा आप करंट अफेयर्स को विजन के मंथली मैगजीन से भी कर रहे हो या किसी और मैगजीन से कर रहे हो और एट द सेम टाइम पैरली यू आर प्रिपेयरिंग यू आर रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स एज वेल न्यूज़पेपर्स विल मेक द कंटेक्स यू वोंट रिमेंबर एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर मंथ सो यू विल

अगर आपने किसी ने और कोई बुक पढ़ ली है से श्री राम आयस की पढ़ ली है या कोई एक्स बुक पढ़ ली है कोई बात नहीं आप उसको दोबारा पढ़िए आप एक ही बुक को पढ़िए और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे क्वेश्चंस नहीं बन रहे आप दूसरी बुक को पढ़ के उसमें से ऐड ऑन कर लीजिए अपने बुक में ठीक है बट सोर्सेज एक ही रखिए मल्टीपल टाइम्स करिए और जो नया बुक पढ़ रहे हो वो तभी पढ़ना है आपको जब आप चार से पांच बार पुरानी बुक को पढ़ चुके हो मतलब जो आपका मेन सोर्स है और फिर उसमें से एड ऑन कर लीजिए जो आपको लगता है कि नहीं है इसमें नहीं है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस विवेक सिंह की बुक उस उनकी एक 550 फिफ्टी की एक बुकलेट आती है वो भी आप सॉल्व कीजिए उसे भी एग्जाम के वो जो चार महीने का गैप होगा जस्ट बिफोर द प्रलिमिनरी एग्जामिनेशन उसमें आप कम से कम चार से पांच बार सॉल्व कर लीजिए इनफैक्ट कई क्वेश्चन उससे भी डायरेक्टली आ जाते हैं एंड ऑल्सो जो विजन का विजन मैं नाम लूंगा यहाँ पे विजन का जो सेक्शनल टेस्ट होता है इकोनॉमी का उसके तीन पेपर होते हैं वो तीनों पेपर आप प्रिंट करा के उसको रट लीजिए क्वेश्चंस को रट लीजिए क्योंकि उसमें इकोनॉमी जनरली लोगों का वीक होता है तो पीपल कांट कीप ऑन स्क्रोलिंग ठीक है आप कब तक पढ़ते रहोगे तो एक टेस्ट पेपर उठाया सेक्शनल टेस्ट 550 फिफ्टी एमसीक्यूज प्लस विवेक सिंह प्लस पीटी 365 ठीक है ये 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 ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा शुड आई रिपीट ठीक है अच्छा सर जो डेली विजन के करंट अफेयर आते हैं तो वो पढ़ना जरूरी है या फिर मंथली ही काफी है? आपकी इच्छा अगेन मैंने कहा दो तरीके हैं ठीक है थीके? आपको जो जमता है वो आप करिए कोई जरूरी नहीं है नो वन इज इनफोर्सिंग यू टू स्टडी दिस डेली मटेरियल या फिर मंथली मटेरियल मैं क्या करता था मैं दे... मैं तो न्यूज पढ़ता ही नहीं था मैं सिर्फ करंट अफेयर्स जो मंथली आती थी उसके ऊपर रिलाई करता था But I won't suggest now this. I will suggest आप न्यूज पेपर पढ़िए और फिर मंथली पढ़ लीजिए दैट इज बेटर सर हाँ हाउ टू सर हाउ टू इंश्योर पीरियोडिक रिविजन लाइक करेक्ट इज करेक्ट आपने जो आज पढ़ी मैंने कहा ना आपको डेज में आप सात से आठ बुक पढ़ लोगे जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताया आपको ठीक है अब आपको वो चीज तो हरदम याद नहीं रहेगी साठ दिन बाद मैंने आपको फिर से कहा कि आप उसे वापस जब रिवाइज करोगे तो इट विल हार्डली टेक फोर्टी फाइव डेज आप जो आज पढ़ रहे हो उसका एक ट्रैक रखो करेक्ट डायरी आप डायरी बनाइए उसे और लिखिए उसके ऊपर कि मैंने आज एवं क्लास की एन पढ़ी है ठीक है और फिर आपको ध्यान में होना चाहिए कि नहीं मुझे एक डेढ़ महीने के अंदर या दो महीने के अंदर मुझे वापस से इस चीज़ को रिवाइज करना है यू कीप अ डायरी एक शॉर्ट डायरी रखिए अपने जेब में जो कि साल भर आपको काम आएगी आपने जब आज के दिन मान लीजिए आपने पढ़ लिया कुछ विवेक सिंह की इकोनॉमी पढ़ी है मान लो दो तीन दिन के अंदर आपने उसे खत्म कर दिए यू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट कि मैंने आज ये पढ़ी है और मुझे दो महीने के अंदर वापस से पढ़ना है ठीक है ट्रैक रखना है आपको कंप्लीटली डायरी मेंटेन करना ही होगा यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपने कितने घंटे पढ़े कितने घंटे वेस्ट कीजिए सब उसमें लिखिए एक पेज डेडिकेट कीजिए कि आज मैंने आठ घंटे पढ़े दो घंटे बकैती काटा है तीन घंटे टाइम पास किया है नौ घंटे सोए सब लिखिए उसमें एंड आफ्टर एवरी वीक यू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई मैंने कहाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा किया है एंड ट्राई टू कट इट डाउन ठीक है जहां आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरी एफिशंसी डाउन हुई है तो अगेन उसको हाईलाइट कीजिए मार्क कीजिए और नेक्स्ट टाइम आप जब उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रखना है नहीं मैंने इसमें मैं थोड़ा इनएफिशिएंट रही हूं ठीक है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो हो गया स्टार्टिंग दो तीन महीने तो तीन महीने में आपको ये सारे बुक्स को आपको दो बार रिवाइज करना है ठीक है स्टैंडर्ड बुक्स दो रिविजन स्टार्टिंग के तीन महीने नाउ द बेस इज डेवलप्ड अभी आज से दो महीने में आपको क्या करना है कि दो रिविजन कर सकते हो आप दिस इज माई सजेशन ठीक है तीन महीने में उसके बाद आप यू कैन डुवेल्व इन टू मेन्स प्रिपरेशन ठीक है और जो लास्ट के चार महीने बचेंगे प्रीलिम्स के लिए लेट से कि अगला प्रीलिम्स ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे को है तो प्रीवियस फोर मंथ्स मतलब ट्वेंटी जनवरी या ऑफ जनवरी से यू कैन स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन यू मस्ट यू हैव टू स्टार्ट इट एनी वेज डेडिकेटेड अगेन ये बुक आपने दो बार पढ़ी थी यहाँ पे स्टार्टिंग की बुक अब ये चार महीने में आपको चार बार पढ़नी है कम से कम ठीक है चार महीने में चार बार पढ़नी है और अगर आपने एक बार पूरे मन से नहीं पढ़ा पूरी बुक को स्टार्टिंग के दो महीने में नहीं पढ़ा

एंड अगेन माई स्कोर remained 117, एंड सेवेंटीन विच अगेन 25 फाइव मार्क्स मोर देन वाट द कट ऑफ ऑफ दट ईर नाइनटी टू ऑफ था और मुझे उस पर एक मार्क्स आए थे तो एक बार आप मेहनत कर लो और मेरा चार बार लगातार प्री निकला है सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट इज अ गोल्डन अटैम्प्ट इतना मेहनत करो कि लास्ट के प्रीलीम्स के लिए कि आपका हर बार प्रियम्स के लिए आपको डाउट ना हो सेल्फ डाउट ही ना रहे कंटेंट जो चेंज होता है लोग कहते हैं ऊपर नीचे आसमान इतना नहीं चेंज होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो सकता है बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि नहीं आप जो पढ़ रहे हो आप सही पढ़ रहे हो ठीक है बार बार पढ़ना है तो दो रिवीजन कर लिया आपने लास्ट के चार महीने में डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट ओपिनियन माय व्यू इज इसकी आप सत्तर से साठ टेस्ट कीजिए कम से कम साठ सत्तर टेस्ट और एक एक मेन कोचिंग उठा लीजिए जो भी आपको पसंद हो उसके पूरे टेस्ट कीजिए और पांच पांच टेस्ट डिफरेंट कोचिंग के की कीजिए आप कम से कम चार पांच कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट इससे क्या होगा कि यू आर नॉट बायस टूवर्ड्स पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट आप मान लो विजन का ही कर रहे हो टेस्ट तो आपका एक ब्रेन जो है ना वो एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है हाँ इसके क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करने हैं बट जब पेपर आएगा यूपीएससी का तो वो डिफरेंट पेपर आएगा इसके लिए आप वो बायसनेस न रहे आपका एग्जाम में मेन एग्जाम में आप चार पांच कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के पेपर उठा लीजिए पांच पांच फुल लेंड टेस्ट इट विल कम अराउंड ट्वेंटी फाइव ठीक है और आपका जो भी एक पर्टिकुलर मेन कोचिंग है थर्टी फाइव तो साठ टेस्ट हो जाएंगे इसे कैसे करने मैं बताता हूँ रात का जो समय होता है एट थर्टी टू ट्वेल्व ओ क्लाक का ठीक है या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस रात को ही करना दिन में मत करना क्योंकि दिन का टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें आपको रिवीजन करना है ठीक है चार चार घंटे का स्लॉट बना लो सुबह आठ से बारह दोपहर में एक से पांच या एक से छः ठीक है इस टाइप से आप स्लॉट बना लो और शाम का स्लॉट जो रात का स्लॉट होगा मैंने ऐसे ही स्लॉट बनाया था मेरा स्लॉट सिंपल था आठ से बारह या आठ से एक में एक मेरे को रीडिंग करनी है चार साढ़े चार घंटे की नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें साढ़े तीन चार घंटे की रीडिंग करनी है और लास्ट वाले स्लॉट में व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू रीड अप दी सॉल्व अप पेपर एक प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर लगाऊंगा अब मैं बताता हूँ साठ पेपर मैंने आपको टारगेट दिया है ठीक है सिक्सटी रोज एक पेपर कीजिए कितने पेपर हो गए कितने दिन साठ दिन हो गए दो महीने हैं आपके ठीक है फिर आप उसके बाद इन्हीं साठ पेपर पर पे रिलाई कीजिए अगले दो महीने रोज आप दो पेपर रिवाइज कीजिए अब टाइम आपको कम लगेगा एक बार आपको टाइम लग चुका है ना क्योंकि आपको क्वेश्चन भी पढ़ना था सोल्यूशन भी पढ़ना था सब कुछ ध्यान देना था अगेन इट इट वोट टेक मच टाइम रोज दो पेपर रिवाइज करेंगे तो अगले एक महीने में आपका एक रिविजन हो जाएगा ठीक है फिर एक और महीने आप देंगे टाइम तो शायद बीस दिन में ही आपके पूरे पेपर हो जाए साठ पेपर वो चार घंटे जो का जो रात का स्लॉट होगा उसमें आप आराम से कर सकते हो इन दैट वे यू हैव टू रिवाइज एवरी पेपर यू सॉल्व माइंड इट एवरी पेपर यू सॉल्व यू मस्ट रिवाइज इट थ्री टाइम्स मस्ट रिवाइज इट थ्री टाइम्स एंड एवरी बुक यू रीड मैंने स्टैटिक का बुक बताया वो चार बार आपका रिविजन होना ही चाहिए अदरवाइज वो याद आएगा इकोनॉमी के बुक में मॉडर्न हिस्ट्री में वही नहीं याद आएगा एग्जाम में ठीक हैथिंग वर्क इज यू नो वेल ठीक है ऑनली वन थिंगट नॉलेज येस यू हैव टू बी वेरी थॉरोनाट टेक अ रिस्क यू है You are young people. You have invested a lot of energy, time, and you have taken. Uh, I would say it's a big risk to come into civil services preparation. It sounds very <laughs> demoralizing in some other way, but it is. It is a big risk. We all are gambling in some or other way. Finally, I have uh, won this gamble. Yes, someone was asking from this side. I could not hear you. Please give him the mic. So you are not creating any short notes for films. प्रीलिम्स ऑलरेडी एक नोट्स का ही खेल है ना आप क्या शॉर्ट नोट्स क्रिएट करोगे उसमें मतलब मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम ऑलरेडी नोट्स है लक्ष्मीकांत ऑलरेडी नोट्स है विवेक सिंह ऑलरेडी उस नोट्स फॉर्मेट में है आप हाईलाइट कर लीजिए उसमें कि मुझे क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है और आप उस वैसे रिवाइज कीजिए क्योंकि अगर इफ़ यू देखो पहले दो बार में इफ यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग नोट्स यू विल रू इन योर प्रिपरेशन यू विल राइट एंटायरली वॉट इज रिटन इन स्पेक्ट्रम एंड यू विल फाइंड दैट योर नोट्स इज हैज बिकम इक्वल टू अ बुक देर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट इन योर फर्स्ट और सेकंड रेटिंग माइंड दैट ठीक है ओनली जब आपकी एक रिविजन थोड़ा हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज वॉट इज गोइंग टू तो हेल्प मी आउट ठीक है गुड क्वेश्चन दैट द स्ट्रगल ऑफ सिविल सर्विसेस यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ इसमें तो मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता फैक्ट टू मैनेज टाइम आई विल टेल यू द कोचिंगट आई ज्वाइन आई डि नॉट गो टू कोचिंग आफ्टर फोर फाइव मंथ आई फाउंड दट आई एम नॉट एबल टू डू वॉट आई एम सपोज टू डू एंड ऑनलीफ्टर आफ्टर दैट प्लान आई ऑब्जर्व दैट आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे इन फैक्ट आई डिट इवन ज्वाइन द कोचिंग फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्योंकि मुझे लगाई मैं यू दैट आई डेंट ज्वाइन बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं मैथ का भी कोचिंग करूंगा जी एस का भी कोचिंग करूंगा सेल्फ स्टडी को सिर्फ तीन घंटे मिलेंगे तो फिर हो चुका फिर तो हो ही चुका है एक साल तो नुकसान हो जाएगा क्या कह रहे हो कोचिंग छोड़ना देखो अगर आप छोड़ दोगे तो अगेन यू आर गैम्बलिंग विद योर सेल्फ ठीक <laughs> है अगेन इट्स अ गैम्बल बिकॉज यू डोंट नो डोंग एक्स वाइज ऑफ प्रिपरेशन एंड यू थिंक दैट विद विदिकुलर टॉप ऑफ स्टॉक यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजिशन तो मुझे लगता है कि एक अगर आप तभी छोड़ सकते हो जब आपके पास मेंटर हैं तो एकदम फुल फ्लेज भाई जैसा मेंटर, जो बहुत रह 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 कि बहुत रेर है फाइंड करना जिसने प्रिपरेशन की हो जिसने जो जानता हो चीजों को इवन भाई भी इतना डेडिकेट नहीं कर सकता टाइम। तो टेक योर अकॉर्डिंगली, यस। शेखर बंदोपाध्याय यस। मैंने पढ़ी है बुक को भी ठीक है अगेन इट डजेंट टेक मच टाइम पीपल से दैट इट टेक मच टाइम नो उसमें आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है जैसे कि एक सेक्शन है वेमेंस का पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल ट्राइबल पार्टिसिपेशन कैपिटलिस्ट का कंट्रीब्यूशन लेबर कॉन्ट्र वो चैप्टर को आप कर लीजिए और उसके जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसमें से आप कुछ कुछ पार्ट उठाइए फैक्ट्स उठाइए उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री को बाजू में स्पेक्ट्रम को रखिए बाजू में और इसके जो आप पढ़ रहे होगे टॉपिक्स को उसको स्पेक्ट्रम से मिलाइए और उसमें कुछ फैक्ट्स और कुछ नया पॉइंट मिलेगा उसमें एड ऑन कर लीजिए आई हैड नॉट बॉट माई स्पेक्ट्रम ओवर ईयर अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू कि उसमें मैंने स्टिकी नोट्स डाल डाल करके क्या किया कि जैसे कैपिटलिज्म ने कितना इंडस्ट्री को रून किया हमारे यहाँ के तो मैंने लिख दिया कि इतना करोड़ का लॉस हुआ था हमारे यहाँ पे इतना लैंड रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट करते थे दिस वॉज द नंबर ऑफ पीपल बींग इन टू वेंट इन टू दाइन ऐसे करके मैंने फैक्ट्स लिखे लिख लिख थे जो आपको शेखर बंदोपाध्याय में मिलेंगे एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन इफ दिस इफ दिस स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर आंसर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू मेन्स प्रिपरेशन में क्या होता है कि शेखर बंदोपाध्याय इज अ की मटेरियल ठीक है बट यू के नॉट कीप ऑन रीडिंग शेखर बंदोपाध्याय देन स्पेक्ट्रम देन तो डिफिकल्ट होता है तो वॉट यू डू इज आफ्टर फोर फाइव सेवन रीडिंग्स ऑफ स्पेक्ट्रम यू विल फाइंड दैट शेखर बंदोपाध्याय को एक ग्लांस मार लेना फटाक से और रखना अपने साथ एक बुक स्पेक्ट्रम वाली और उसमें ऐड करते जाना कि जो भी आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे तो अदरवाइज रिपीटेशन होगा एंड इट डजेंट हेल्प्स यू अगेन मेन कंटेंट जो बुक है वो करिए ऐड ऑन करिए और उस बुक को उस बुक को, डिस, को डिस्कार्ड कर दीजिए ठीक है यार नया बुक शंकर शेखर बंधु खरीद लीजिए उसके पन्ने फाड़ लीजिए जो आपको काम के लगते हैं सिंपल यू कैन डू इट डोंट वेस्ट योर टाइम बचाओ टाइम जितना बचा सकते हो उतना बचा लो आप ठीक है और कोई क्वेश्चन है प्रीलिम्स से ये अगर रीडिंग करोगे तो तो इसे अच्छा कहानी पढ़ लो आप इट इट विल नॉट नॉट हेल्प यू रीडिंग का मतलब ये नहीं था मेरा मतलब कि रीडिंग करना डोंट टेक इट वेरी टू द योर हार्ट ठीक है रीडिंग का मतलब ये है कि देर आर सर्टन फैक्ट दैट यू नीड टू मग अप ठीक है यू हैव टू मग अप यू कैनॉट से दैट आई कॉन्ट रीड आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू मग अप आई आई हैव लेस और स्लो रीडिंग रीडिंग स्पीड देन आई वुड क्लियरली से सिविल सर्विस नॉट मेंट फॉर यू यू विल हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बिलीव मी नॉट एवरीबडी हैव दैट मगिंग अप स्किल्स बाय टाइम विद टाइम विद प्रैक्टिस यू विल फाउंड योर सेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजिशन ओनली आफ्टर यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स नो वन इज बॉर्न एज लेजेंड ठीक है यू हैव टू रे जोर से बोलिए नहीं इनफ है आप अरे आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ लीजिए आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ लीजिए अच्छे से और उसी को रिवाइज कर लीजिए वही काफ़ी है Pre, हाँ मेन्स के लिए आई विल कम अगेन आई एम कमिंग ऑन मेन्स डोंट डोंट थिंक दैट आई एम आई एम स्कीपिंग मेन्स प्रिपरेशन एक्सक्यूज मी इसे इरेज कर दीजिए आप तो थोड़ा मेन्स का बताने में आसानी हो जाएगी ठीक है हाँ हाँ देखो मेंस में आप तभी स्टार्ट करेंगे जब आपने दो तीन बार स्टार्टिंग की बुक पढ़ ली है क्योंकि अदरवाइज यू विल फाइंड योर सेल्फ लॉस्ट इन दिस प्रिपरेशन यू विल सी दैट यू डोंट हैव नॉलेज एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर आंसर राइटिंग विच विल हेल्प यू नो वेर तो बेटर इज यू रीड this दिस इज so view व्यू यू शुड यू मस्ट रीड द books बुक्स एटलीस्ट three टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग फॉर mains अगर कंटेक्सट नहीं बन रहा है अगर बैकग्राउंड नहीं बन रहा किसी चीज का तो यू आर यूजलेस over देयर चार पेपर है सबको पता है सब सब फर्स्ट अटेंट वाले हैं ना यहाँ पे ठीक है सिलेबस तो पता ही होगा हाँ तो अगर आप जी एस वन का सिलेबस देखोगे पेपर का तो जो क्या क्या है सेगमेंट्स हिस्ट्री है ठीक है जोग्राफी है आर्ट एंड कल्चर है सोसाइटी है ठीक है और थोड़े सेगमेंट्स से है पॉपुलेशन डायनामिक्स वो सब सोसाइटी में कवर हो जाता है माई व्यू इज मेक योर नोट्स ऑफ माइक्रो नोट ऑफ एवरी टॉपिक लेट से देर आर ट्वेंटी टॉपिक्स मैं जी एस वन अगर आप देखोगे ध्यान से याद होगा आपको तो ठीक है हर एक का माइक्रोनोट होना चाहिए टेक द सिलेबस टू योर हार्ट मतलब आपको याद होना चाहिए अगर आप ध्यान से देखोगे की आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या मेंशन है किसी को याद एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग उसमें मैंशन है आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर तो यू नीड नॉट टू डिवेल्प मोर देन दैट लिटरेचर बोल दिया मतलब संगम लिटरेचर जैन लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर पाला लिटरेचर जो भी लिटरेचर समझ में आ सकता है डायनेस्टी से रिलेटेड वो सब आपको पर्शियन लिटरेचर हिंदी लिटरेचर सिख लिटरेचर सब पता होना चाहिए मराठा समझ गए तो लिटरेचर मतलब बोल दिया मतलब लिटरेचर आना ही है और एंड यू विल टू योर सरप्राइज संगम पूछ चुका है संगम लिटरेचर क्या है डिटेल में फिफ्टीन मार्कर में पर्शियन लिटरेचर के ऊपर पूछ चुके हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर पूछ चुके हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के लिटरेचर के ऊपर पूछ सके पूछ चुके हैं इन्होंने डू यू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द सिलेबस एंड द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन दैट इज एब्सोल्यूट देयर इज हंड्रेड परसेंट कोर इसलिए कह रहा हूं मैं ठीक है सिलेबस को आप देखिएगा ध्यान से अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया ही किया है मीन्स के लिए ठीक है वही स्टार्टिंग के चार पांच चैप्टर्स ही हेल्प करते हैं मुझे हर बार उन्हीं को रिवाइज करता हूं और मैंने क्या किया आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लिया सेगमेंट ठीक लिट, है लिटरेचर में मैंने बता दिया आपको कि मैंने कैसे पढ़ा समझ गया ना जितने भी डायनेस्टीज हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपने दिमाग से सोच के नितिन सिंघानिया में देख के मैंने बना लिया आर्किटेक्चर में जितने भी आर्किटेक्चर मेजर हो सकते हैं नागरा द्राविडा चालुक्या होसलाज जो भी हैं सारा आप लिख लीजिए और सारों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आर्ट्स आर्ट्स में क्या आता है डांस म्यूजिक पेंटिंग लिटरेचर ड्रामा थिएटर्स ये सब आ जाते हैं ठीक है हर क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन होता है कि लेट्स से ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक है तो आर्ट में आपको सेगमेंट बना लेना है इसमें आपको क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं डांस है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है स्कल्पचर्स में लिटरेचर में क्या है पेंटिंग में क्या है? इस टाइप से आपको चीज़ें बना लेनी है क्योंकि पेंटिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट ठीक है और हर पॉइंट पे आपको एग्जाम्पल साइट करना है लेट से कि कोई पेंटिंग की बात कर रहे हो अब जैन में तो कल बस है आपको पेंटिंग का नाम लिखना ही लिखना है एक ना एक एग्जाम्पल हर एक में डालना ही डालना है मेन्स इज ऑल अबाउट दो चीज़ें ध्यान रखना इसको तो लिख ही लो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मींस सब डिवीजन जो मैंने इधर किया है आपको ये जो है कोई भी क्वेश्चन का सब डिवीजन कर लो ठीक है एक तो वो चीज़ हो गई और दूसरा क्या हो गया स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल्स हर स्ट्रक्चर में जो भी आपको पॉइंट लिखना चाह रहे हो उसमें एक एक एग्जाम्पल्स एड कर दे जाओ आप एक एक एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना है इतना एक नहीं हो सकता है दो लिखो दो नहीं हो तीन जितना याद है उतना लिख दो आप और अगर नहीं याद है डोंट स्क्रिबल ओवर द पेपर की अगर याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा स्किप इट मूव ऑन ठीक है दिस हैज टू बी डन फॉर एवरी एवरी मेन्स क्वेश्चन एवरी मेन्स क्वेश्चन एवरी इवन लेट से कि आपने ये तो आर्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया मैंने इसके लिए मैंने बता दिया नितिन सिंघानिया क्या हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस हिस्ट्री के लिए अगेन जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है वही काम आती है हिस्ट्री में क्वेश्चन हरदम सिंपल ही होते हैं यू हैव टू जस्ट रीड योर फैक्ट्स एंड यूज इट वाइजली इन टू द पेपर आप फैक्ट्स पढ़िए और उसको अनालिसिस में कन्वर्ट कीजिए ये आर्ट आप सीखिए एंड दिस इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की हाउ टू यूज द फैक्ट दट यू नो इन टू पर्टिकुलर आंसर एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट दैट यू नो अलॉट ऑफ थिंग्स कम चीजों में भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता है ठीक है हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम विल हेल्प शेखर बंधोपाध्याय जैसे मैडम ने बताया दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बट दैट इज फॉर सर्टन सेगमेंट्स

शून्य की जो जी वन की एक बुकलेट आई है उसमें लास्ट लास्ट में कुछ कुछ उन्होंने दिया हुआ है मतलब ज्योग्राफी का दिया हुआ है उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स आप उठा लो कंपाइलेशन टाइप्स आपको जहां से कंपाइलेशन मिल जाए अगर आपको लगता है आपका जो मटेरियल विशन का उसमें अच्छा बन रहा है तो अच्छा है और अच्छी बात है उसी से कर लीजिए आप यू नीड नॉट टू डिवेल ऑन मल्टीपल मटेरियल्स कीप दैट इन माइंड देखो अभी इस स्टेज पर मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ जोग्रफी में इवन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बट मैं अगर बताऊंगा तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी और इट विल गो बाउन ठीक है बट ब्रॉडली आप याद रखना इन दोनों चीजों को बस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स एंड इसके बाद अगर आप एक्सपर्ट हो रहे तो लिंकेज बाय लिंकेज आई मीन करंट को स्टैटिक से लिंक करना ठीक है जैसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया तो जबरदस्ती उसको आर्टिकल 48 से लिंक कर सकते हो जो प्रिजर्वेशन ऑफ एंशंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है प्रिजर्वेशन ऑफ एंशंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर है ठीक है और कुछ नहीं समझ आ रहा स्कीम्स के ऊपर आप बोल सकते हो स्वदेश दर्शन स्कीम है प्रसाद की हेरिटेज स्कीम है आर्किटेक्चर के कंजर्वेशन के लिए तो आप कहीं भी वेंचर कर सकते हो दिस इज लिंकेज पार्ट यू लिंक विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यू लिंक विद स्टैचुचरी एंड लीगल प्रोविजन जैसे एंटीक्टीज एक्ट है नाइनटीन सेवेंटी फोर का एंशंट मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन एक्ट है नाइनटीन फोर्टी एट का आप लीगल प्रोविजन से लिंक कर सकते हो ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी ए एस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उससे बोल दो कि इट हैज टेकन मल्टीपल एफर्ट्स टू कंजर्व दिस एंड दिस पर्टिकुलर हेरिटेज आपको कुछ नहीं आ रहा आप कंक्लूजन में से लिख सकते हो ठीक है दिस इज पार्ट ऑफ लिंग दैट यू नीड टू यूज इन योर आंसर एट द एंड और इंट्रो में सब ने बताया होगा अभी तक आपको यू माइट हैव है दिस एज वेल हर क्वेश्चन का एक तीन फॉर्मेट है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन करेक्ट बट ये सब रातों रात तो आएगा नहीं आपको बॉडी ठीक है बॉडी जो मेन कंटेंट है मोर रीडिंग रिवीजन से ही आएगा और आपको कोई एक टेस्ट सीरीज लेनी है और उसको लिखना है ठीक है एंटायर ड्यूरेशन में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप घर पे बैठ के करोगे क्या आप टेस्ट सीरीज लिखो कम से कम मेरा जो व्यू है दो हफ्तों में एक टेस्ट तो लिखना ही ट्वेंटी मार्कर का ट्वेंटी क्वेश्चन के एंड कीप ट्रैक ऑफ यूर सेल्फ कि क्या हो रहा है दिस इज दिस हैज़ टू भी डन ओनली आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन ठीक है एवरी टाइम यू गो फॉर अ टेस्ट रिवाइज एवरीथिंग वेल एंड देन गो फॉर टेस्ट अगर रिविजन नहीं हुआ है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं डिले करूँ मैं बाद में दूंगा दैन यू विल नेवर गिव द टेस्ट आई नो देट आई हैव ऑल्सो डन द सेम इन माई वेरी फर्स्ट अटेंट मैंने सोचा मैं पूरा रिवाइज कर लेता हूँ अच्छे से और मैं दो महीने से रिविजन ही कर रहा हूँ फिर मैंने टेस्ट ही नहीं दिए तो डोंट डू देट अवॉइड दैट मिस्टेक एंड इट्स हाईली एडवाइजेबल स्टिक टू योर डेडलाइंस अगेन यू विल मेनटेन योर डायरी लिखो आज मैंने ये किया है आज मैंने टाइम पास किया है आज मैंने बकैती की है चाय पे चर्चा हुई है वो सब लिखो और उसके बाद लिखो कि ये मैंने आज पढ़ा है तो मेरे को ये इतने दिन बाद रिवाइज भी करना है कीप ऑन विजिटिंग इट आफ्टर एवरी थ्री फोर डेज सोसाइटी के लिए विजन का वैल्यूएटेड मटेरियल आता है एक मैम थी उनका आता था मुझे अभी याद नहीं क्या नाम है हाँ तो उनका वैल्यू वैल्यूर मटेरियल जो है दैट हेल्प्स मी दैट हैज हेल्प मी आप वाजीराम एंड रवि का भी सोसाइटी का मटेरियल है उसके स्टार्टिंग के दो तीन चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हो ज़्यादा नहीं दो तीन चैप्टर और लास्ट के दो तीन चैप्टर पॉपुलेशन डायनामिक्स वाला चैप्टर आप वहाँ से पढ़ सकते हो आप अर्बन के अर्बन और स्लम्स के ऊपर वहाँ से वाजीराम से पढ़ सकते हो और स्टार्टिंग का सोसाइटी के ऊपर अगेन सोसाइटी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे यू हैव टू आंसर इन समर्टन वे सोसाइटी का क्वेश्चन है तो यू हैव टू यूज सच एज आर सोशल 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 एजेंट्स एजेंट्स इस टाइप की चीजें मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब हर इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन में आपको फैमिली मैरिज किनशिप ये सब क्या सोशल इंस्टीट्यूशन है इनको लिंक करना है आपको सोशल रियालिटीज मतलब चाइल्ड मैरिज है लेट्स से फीमेल फिटी साइट्स है इनको लिंक करना है आपको तो ये एक स्ट्रक्चर जो मैंने अपने लिए सोचा था आई यूज टू यूज दिस फॉर एवरी क्वेश्चन सोसाइटी के सोशल एजेंट्स सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल रियालिटीज इस टाइप के सोशल एजेंट्स क्या हो सकते हैं वलनरेबल से विमेन चाइल्ड एल्डरली ट्रांसजेंडर्स एल जी बी टी क्यू प्लस डिजेबल्ड पर्सन ठीक है ये सब सोशल एजेंट है ट्राई टू लिंक दम यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन बट दिस विल स्टार्ट ओनली वंस यू ट्राई टू रीड मोर रिविजन मोर रीडिंग एंड वेन यू जॉट डाउन द पॉइंट्स डेन यू विल रियलाइज अगेन आई मैंशन दैट रीड विथ क्यूरासिटी दैट विल कम ओनली वन यू ट्राई टू पॉन्डर ओवर वॉट वॉट एवर है Link करो चीज़ों को मैं एक हिंट देता हूं मैंने जोग्राफी तीन अटैम्प्ट पढ़े मेरे स्कोर जीएसओ में क्या रहे मैं बताता हूं आपको 89 थे पहले अटेम्प्ट में फिर 88 हो गया फिर 82 हो गया और मेरी इस साल रैंक भी आई थी इस पे मैं सोच रहा हूं मैं मतलब कुछ गलत कर भी नहीं रहा फिर भी मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं डेफिनेटली द कॉम्पिटिशन राइज होता है हर साल ठीक तो है तो मे बी आई वॉज एट द सेम लेवल एंड पीपल वे आर प्रोग्रेसिंग नॉट फास्टर दैन आई वॉज प्रोग्रेसिंग दिस ईयर आई टारगेटेड टू सेगमेंट्स आई स्कोट दिस ईयर हंड्रेड एंड आई थिंक फोर है दो सेगमेंट्स एक है आपका सोसाइटी ठीक है और एक है जोग्राफी लोग नहीं करते है. लोग इग्नोर करके चलते हैं यू डो इट यू विल फाइंड द डिफरेंस मैंने अच्छे से किया है सोसाइटी को और जोग्राफी से जोग्राफी को अगेन सोसाइटी में जितने भी चीज़ें सारा वर्ड्स की वर्ड जितना भी है संस्कृताइजेशन जो भी कीवर्ड आपको समझ में आता है आपको मिल जाएगा हर टॉपिक में सेकुलरिज्म है कम्युनलिज्म है रीजनलिज्म है बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लिंक करो की को ठीक है एक मैंने बोला माइक्रो नोट्स बना लीजिए सेकुलरिज्म का एक पन्ने का माइक्रो नोट्स ठीक है दैट विल हेल्प यू इफ़ समन वांट्स टू नो मतलब देखना अगर किसी को कि मैंने क्या बनाया है ठीक है तो मैं एक बता देता हूँ मैंने आर्ट एंड कल्चर में क्या फ्रेमवर्क बनाया था अपने लिए ठीक है मैंने क्या किया मैंने दिमाग में रख लिया कि मुझे एग्जाम्पल्स देने हर क्वेश्चन में विद लोकेशंस और रीजन्स उसके बाद मैंने बोला रूलर्स मुझे पता होना चाहिए कि, कि किस रूलर ने क्या किया था हर बार नहीं पता होगा चार में से अगर दो रूलर का भी नाम मुझे पता है तो दैट इज सफिश इनर टू गिव एन इम्प्रेशन कि आई नो लॉट ऑफ थिंग्स देन टाइमलाइन किस टाइमलाइन में कंस्ट्रक्ट हुआ है क्या होता है कि विद मोर स्पेसिफिसिटी अगर मैं कोई चीज बहुत एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ तो सामने वाले एग्जामिनर को, को लगेगा अरे नहीं इसे पता है ये इतना स्पेसिफिक कैसे हो सकता है आप पहले चार लाइन में इतना लिख देंगे तो उससे समझ में आएगा कि नहीं इसे तो बहुत कुछ पता है चलो ठीक है विल गिव हिम एटलीस्ट एवरेज मार्क्स पैटर्न मतलब जिसने पैटर्नाइज किया होगा उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को यूनिक फीचर्स लिखना ही लिखना है और उसे हाईलाइट भी करना है डब्बे बना करके आंसर्स में ठीक है वे फॉरवर्ड में अगेन आई मैंशन प्रिजर्वेशन प्रमोशन नेम ऑफ प्रेजेंट प्रैक्टिस एक्ट रूल्स आर्टिकल्स कंजर्वेशन ये सब चीज़ें आपको मैंशन करनी है ये दिस इज फॉर आर्ट एंड कल्चर दिस आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ व टू प्रिपेयर दिस फॉर्मैट एंड दिस इज टेम्पलेट फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट जैसे जोग्राफी आई तो आप कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करो लिंक करने का ह्यूमन जोग्राफी फिजिकल जोग्रफी इकोनॉमिक जोग्राफी से ठीक है फिर उसमें क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करिए आप लोकेशन का क्वेश्चन है मान लीजिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का एक पर्टिकुलर सिलेबस है क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन आया है आप उसका फॉर्मेट रखिए लेबर है लैंड है कैपिटल है मार्केट है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं पोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स हैं सारा फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए लेट्स से आप जीएसट्री का इकोनॉमी का क्वेश्चन कर रहे हो एकदम प्योर इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं आता है आपके पास की होना चाहिए कि मुझे इकोनॉमी आया तो ग्रोथ रेट की बात करनी है फिजिकल डेफिसिट की बात करनी है डेट की बात करनी है लोन्स की बात करनी है मुझे इन्फ्लेशन की बात करनी है एक्सपोर्ट्स की बात करनी है मुझे गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करनी है साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करनी है इंटरनेशनल इंसिडेंसेस से लिंक करना जो जियो पोलिटिकल टेंशन हो रहे हैं या फिर ग्लोबल स्लो डाउन है या फिर रिसेशन है जो भी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल में विद दिस वॉट विल हैपन इज यू विल रियलाइज कि इवन दो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल एटलीस्ट राइट वन एंड हाफ पेज दैट इज डिसेंट इनफ एंड एवरेज आंसर ये हर सब्जेक्ट के लिए आप टेम्पलेट बना लीजिए जैसे मैंने सोसाइटी में बताया चार चीज़ें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बनाई है एंड मे बी मुझे याद नहीं है अभी क्योंकि मैंने मैंनेस लिखा मेन्स लिखे हो गए मुझे आठ नौ महीने आज ठीक है हाँ आवाज नहीं आई यार बॉस सोसाइटी में हाँ थिंकर्स देखो इतना ओवरडू मत कर देना कि पता चल जाए सोशियोलॉजिस्ट है ये ठीक है अदरवाइज उसे मालूम पड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारा ऑप्शनल है आई डोंट नो मे बी ही कैन पनिश यू और शी कैन पनिश यू तो इतना मत कर देना कि मतलब कि आप एक्स वाई जेड थिंकर का नाम ले रहे हो जो एग्जामिनर को भी नहीं पता उसके ईगो हट हो गया तो यू नेवर नो ठीक है तो कीप योर आंसर टू एन एक्सटेंड की लगे हा ओरिजिनल है मतलब यू है यू आर राइटिंग एन आंसर विद योर क्यूरोसिटी मतलब आपको पढ़ा है आपने और एवरेज आंसर आप लिख रहे हो जर्नलिस्ट के हिसाब से बहुत स्पेशलाइज लिखोगे तो पता नहीं क्या होगा वाई टू टेक रिस्क ठीक है जिसे क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो सोशोलॉजी ऑप्शनों के साथ लिखते हैं पेपर वन दे हैव फाउंड इन एटीज एंड नाइन्टीज मे बी देर राइटिंग दिस थिंग एंड दे मैंशन दिस मे बी द रीजन फॉर दैट डोंट ओवर डू एनी थिंग अब जैसे मैंने इधर लिखा अगेन पेंटिंग फोक क्लोज म्यूजिक थिएटर डांस ड्रामा आर्किटेक्चर ठीक है ये सेगमेंट था आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर में भी चार डिविजन है रिलीजियस आर्किटेक्चर हो सकते हैं सेक्युलर आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं डिफेंस आर्किटेक्चर हो सकते हैं पब्लिक आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं पब्लिक यूज के लिए ठीक है तो यू हैव टू मेक दिस टीट आपको सोचना है आप जब भी पेपर पढ़ोगे मतलब जीएस के लिए प्रिपरेशन करोगे हर जगह टेम्पलेट बना लीजिए आप इससे आसानी होगी आपको ब्रेकडाउन करने में क्वेश्चन को अगर किसी को आर्ट एंड कल्चर का अच्छा नोट्स चाहिए तो एक शुभम भैसारे सर थे एयर नाइन्टी सेवन लास्ट ईयर के उनका आर्ट एंड कल्चर का नोट भी सही है मतलब आप उसको रेफर कर सकते हो मैंने एक बात बताया था कि आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे माइक्रो नोट्स क्या हैं मतलब दूर से तो नहीं दिखेगा बट आई विल ट्राई टू शो यू वॉट आई कैन शो दिस इज हाँ दिस इज अबाउट प्रेशर ग्रुप्स ये सिर्फ प्रेशर ग्रुप पूरा मैंने एक पेज में लिखा है मैंने को, कोशिश की है जो भी मुझे पता है मैं इसी में लिख दूंगा यहां पे मैंने मेन पॉइंट्स लिख, लिख लिए रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन पॉलिसी फार्मोलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इंटरस्टार्टिकुलेशन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये की हैं उसके बाजू में मैंने लिख दिए है एग्जाम्पल्स कि रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जाएंगे फिर एडुकेशन में क्या हो सकते हैं रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है उनका नाम लिख मैंने लिख दिया कुछ तो ये मतलब आपको ऐसे काम करना है माइक्रो नोट्स ये क्या होते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले जब आपको रिवाइज करना है चीज़ें एक रात पहले तब आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुलेट्स नहीं काम आएंगी इफ़ यू ट्राई टू रिटर्न दैट विल नेवर हेल्प यू आउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस विल हेल्प यू ठीक है तो आप तीन चार नोटबुक बना लीजिए अभी से ही जिसमें एक में आप फैक्ट्स डेटा कीवर्ड्स लिखोगे एक तो दो बुक तो आप माइक्रो नोट्स के लिए बना लीजिए मेंस के लिए दिस इज फॉर मेंस ठीक है माइक्रो नोट्स क्या करना है आपको माइक्रो नोट्स में जो भी आपको मिलता है आप ऐड करते जाइए ठीक है रेलेवेंट पॉइंट नॉट इरेलीवेंट एंड डोंट राइट पॉइंट दैट यू के नॉट रिमेंबर इन एग्जाम्स फ्यूटाइल है आपका एफर्ट ठीक है अगर किसी को देखना है तो मैं ये पास कर देता हूँ गायब मत कर देना बुक प्लीज ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं पास करना आप लोग ठीक है और थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे लेना कुछ देर के लिए ठीक है अभी ज्योग्राफी का जो हाँ किसी को कुछ पूछना है ठीक है ज्योग्राफी में मैं बता रहा था कि आपको लिंकेज करना है हाउ डू यू लिंक थिंग्स आपको कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखना है जैसे विंड टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर यूमिडिटी वाटर वेपर, एयर ओशन सर्कुलेशन जो भी दिमाग में आ सकता है सब चीज को लिंक करना सीखो आप जोग्राफी में मतलब इंडियन मानसून में आता क्यों है रेनफॉल होता क्यों है यू शुड बी एबल टू लिंक द जेट स्ट्रीम द ओशन करंट दी सी वेव विंड दैट ब्लोज द मानसून विंड द ट्रेड विंडिन दैट इज बिंग हैपनिंग इन द लैटिन अमेरिका और दैट पर्टिकुलर पैसिफिक रीजन सच सचस एल नीनो पैसिफिक ओशन डिकाटल ऑसिलेशन एल नीनो या इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट सब चीज़ों को आप जब लिंक करना शुरू कर दोगे ना तो जोग्राफी विल बी वेरी इजिया फॉर यू यू नीड नॉट टू डिवेल्प मोर बस इतना जान लीजिए कि आपको हर चीज़ को से पढ़ना और लिंक करना है द मोमेंट यू स्टार्ट लिंकिंग यू विल फाइंड दैट यू आर मेकिंग डायमेंशंस 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 और पेपर पूरा एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए आपने क्वेश्चन देखा आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे चार डायमेंशन में आंसर लिखना है दैट्स इट तो जी वन में और कोई सब्जेक्ट्स हैं कि मिस हो रहा है कुछ शुड बी मूव ऑन हाँ हाँ वो जी फोर है टाइम है जी टू में पॉलिटी वाले सेगमेंट के लिए वॉट यू कैन डू इज यू कैन रिफर विजन का वैल्यूएडेड मटेरियल ठीक है और उसमें से भी आप माइक्रो नोट्स बना लीजिए अपने लिए ठीक है दैट विल हेल्प यू सेकेंड थिंग इज गवर्नेंस के लिए भी आप वैल्यूएडेड मटेरियल भी देखिए और भी कोई कोचिंग मिलती है जिसका मटेरियल आपको अच्छा लगता है तो ऐड ऑन कर लीजिए अपने बुक में और अगेन इन सब का भी एक माइक्रो नोट्स आप बना लीजिए ठीक है आई आ गया आई के लिए केवल एक ही बुक काम करती है दैट इज थ्री सिक्सटी फाइव अभी से मैं तो कहता हूँ उस आई में तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है उसमें सिर्फ पढ़ना है वॉट यू डू इज यू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर अभी से आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो प्री मेन्स हुआ था उसके लिए आई आर थ्री सिक्सटी फाइव रिलीज हुआ होगा अभी से आप उठा उठाइए पढ़ लीजिए उसे एक दो रिवीजन मार लीजिए यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू रीड व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड ऐसा ठीक है और हो सके तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का भी डाउनलोड कर लेना अभी एक दो डेढ़ महीने में आ जाएगी वो भी चीज़ एक महीने में ठीक है योर प्रिपरेशन मैंने तो आई में केवल ये किया था बस और इसके बाद आप क्या कर सकते हो एड ऑन कर सकते हो जो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स है जो भी करंट इवेंट्स है जो शायद उसमें ना कवर हुआ हो उसमें आप एड ऑन कर लीजिए हार्डली तीन चार ही टॉपिक होंगे उससे ज्यादा नहीं होगा आई आर इज डन it। इतना ही करना है आपको बट हाँ रिवाइज करना है ठीक है बार बार रिवाइज करना है अब आई आर में मैं अगर आपको एक थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ अगेन डायमेंशन बहुत काम होते हैं लेट्स से कोई रैंडम क्वेश्चन है इंडिया और कोई एक कंट्री ले लीजिए नहीं नहीं आ, कोई एक अननोन कंट्री लेट्स साइप्रस है ठीक है मुझे नहीं मालूम इंडिया साइप्रस का रिलेशन क्या है किसी को नहीं मालूम होगा एंड यू नीड नॉट टू नो अबाउट इट बट यू शुड हैव एन आइडिया ब्रॉडर फ्रेमवर्क कि

पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विजन का वैल्यूर मटेरियल है ठीक है 47, 48 पेजेस की बुकलेट आती है पतली सी वो कर लीजिए आप और क्या कहा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री ओह यस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप देखो अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऋषिकेश रेड्डी सर की नोट्स को आप देख लीजिए ठीक है यस ऋषिकेश रेड्डी सर का नोट्स अच्छा है इस मामले में और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो, तो आप और भी एड ऑन कर लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंशन है सिलेबस में मैंने पढ़ा है मैंने मेरा ख़ुद का नोट्स है इट माइट नॉट बी अंडरस्टैंडेबल टू यू क्योंकि मैंने उसको एकदम कचरे तरीके से लिखा है ठीक है आप लोग अपना बनाइए अच्छे ढंग की हैंडराइटिंग में लिखिए ताकि दोबारा बच्चों को हेल्प हो उससे मैं जब पढ़ाई कर रहा था मुझे नहीं मालूम था मेरी सत्ताईस रैंक आने वाली है मैं तो पढ़ता था केवल और जब मालूम पड़ा कि बहुत लोग इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं इतना मतलब इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छी हैंड में लोग लिखते हैं और इतना सरप्राइजिंग लगता था मुझे कि जब मैं देखता था लोगों की बाईस रैंक आई है पच्चीस रैंक में सोचता था हाँ दे डिजर्व इट दे एक्चुअली डिजर्व इट इतनी अच्छी राइटिंग इतना क्लैरिटी ऑफ नोट्स है मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सत्ताईस रैंक मैंने नहीं तो मैं तो अच्छे से नोट्स बनाता था तुम लोग को बांटता अच्छे से आप पढ़ते रहो यू नेवर नो वट इज हाउ क्लोज यू आर विद दिस एग्जामिनेशन नो वन बिलीव्ड इन मी दैट मै मैम आई वॉज एक्सपेक्टिंग दो सौ ढाई सौ आ जाएगा बहुत बड़ी बात है आई ऑलरेडी स्कोर्ड रैंक बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली दिस मच बींग वेरी ऑनेस्ट ठीक है बट नाउ वेन आई हैव क्लियर पीपल से दैट इट वॉज योर क्यूमिनिटी एफर्ट ऑफ फोर कंजिकेटिव इंटरव्यूज फाइव इयर्स ऑफ एंगेजमेंट वन यू हैव है्रैक्ड ऑलरेडी वन एग्जामिनेशन देन यू क्रैक इट अगेन इन फॉर फॉर सर्विस एग्जामिनेशन यू डिजर्व दिस रैंक बट आई डोंट नो वट आई डिजर्व ठीक है सो यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर विद दिस एग्जामिनेशन आई थॉट कि बस इस बार जो हो गया सो हो गया आई विल सेटल विद द सर्विस दैट आई हैव ठीक है आप करते रहो आई एम आई थिंक आई एम द प्राइम एग्जाम्पल कि भाई किसी का भी हो सकता है ठीक है ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी यस ट्रस्ट मी बट हां मेहनत करना है आपको ग्रांटेड नहीं लेना है ठीक है आप करते रहो एफर्ट डालो ट्रैक रखो हर चीज होगा क्या कह रहे हो जोर से बोलो ये कोई नहीं जीएस थ्री में लेट्स जी टू में किसी को कुछ पूछना है पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया वैल्यूडेड मटेरियल है आप वो पढ़ सकते हो पीटी टी थ्री मेन थ्री सिक्सटी फाइव आती है वो स्कैन कर लीजिए आप अच्छे से ठीक है अगेन यू हैव टू मेक योर ओन माइक्रो नोट्स यू कैन नॉट कीप ऑन रिलाइंग कि आप मोटी मोटी विजन के वैल्यूड मेटीरियल को पढ़ते रहो आप ठीक है कहीं कही ना कहीं आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा हर चीज़ को दिस इज माई सजेशन ठीक है आप अपने माइक्रो नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए मेरी बुक कहाँ है जिंदा है ठीक है वो पानी में भी गिर गई थी इसलिए भीग गई है ठीक है हाँ पास ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी पास ऑन कर लीजिए पूरा क्लास है अभी शांति शांति तो जीएस थ्री में इकोनॉमी के सेगमेंट को मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया मैंने विवेक सिंह की जो बुक है उसमें से मेंस के सब्जेक्ट्स को निकाल के थोड़ा सा स्कैन कर लिया और थोड़े बहुत सेगमेंट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए जैसे जैसे कि विजन का वैल्यू एंड मटेरियल है उसमें उस, वो भी काम आता है अगेन वॉट यू डू इज यू यू अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है इकोनॉमी में आजकल के क्वेश्चन इकोनॉमी के आइदर दे आर वेरी ऑब्वियस और दे आर बियॉन्ड योर बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन एंड बियॉन्ड योर कॉम्प्रहेंशन तो व्हाट वी कैन डू इज यू जस्ट रीड एंड अप्लाई वॉट आई सेट एक फॉर्मेट बना लो इकोनॉमी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी है चीज़ों को लिंक करते रहिए आप और फिर एग्जाम में आप उस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ पूछा उस हिसाब से आंसर लिखिए आप इट साउंड्स वेरी वेग एंड इकोनॉमी प्रिपरेशन इज़ वेरी वेग फॉर मीस एज वेल ट्रस्ट मी ठीक है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक सर की एक आई की बुक आती है अशोक सर आई की एक बुक आती है वो आप ख़रीद लीजिए उसे आप पढ़ लीजिए मैंने ये किया है आप उसे पढ़िए और आपको फिर आप देख लीजिए आपको क्या बेटर सूट करता है विजन का वैल्यूट मटेरियल भी है मार्केट में जो कि अच्छी है बट मैंने वो पढ़ा नहीं है ठीक है क्योंकि मेरे दोस्तों को ने कभी लाया लास्ट अटैम्प्ट में, में मेरे मुझे बोला ये बहुत अच्छी है पढ़ लो मैंने कहा मेरा लास्ट अटैम्प्ट इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैंने नहीं पढ़ा बट अगर आपको सही लगता है तो पढ़ लीजिए नहीं सही लगता कोई बात नहीं बट जो भी बुक पढ़ रहे हो आप उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है अगेन मेन्स के लिए भी सेम अप्लाइज और आपने देखा होगा शायद उस डायरी में आपको मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक एक पेज के अंदर मैंने सब चीज़ को खत्म किया ऑर्गेनाइज क्राइम एक पेज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक पेज के अंदर नक्सलिज्म एक पेज के अंदर तो इससे क्या होता है उसके अंदर कॉजेज है और फिर वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट वॉट इज द वे फॉरवर्ड यू ट्राई टू कंपाइल थिंग्स इन टू वन गो टाइम बचेगा आपका इससे एनवायरमेंट के लिए मेन 365 पढ़ लीजिए आप अच्छे से मन से पढ़िए ठीक है बहुत सारे एब्जोर्ड चीजें भी दी जाती है मेन 365 में जो कि रेलेवेंट नहीं होती है आप उसे काट दीजिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड सिलेबस विद मोर रीडिंग यू विल गेट टू नो कि हाँ ये टॉपिक तो नहीं इंपॉर्टेंट है वाई शुड आई रीड दिस ठीक है विद मोर रीडिंग आपको मालूम पड़ेगा कि अभी मान लो जी कि मैं अगर कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आया हुआ है पार्लियामेंट में एंड वाटर आइट्स प्रोविजन्स अगर तो ये दिस यू आर नॉट सपोज टू नो दिस बिकॉज इट हैज नॉट बीन पास बाई द पार्लियामेंट वाई शुड यू रीड अबाउट दिस अभी यू एस में कुछ हुआ है कोई रिपोर्ट आई है वाई शुड यू रीड फॉर दैट दैट रिपोर्ट फॉर द मीन्स नॉट वेरी रिलेवेंट राइट सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए जो कि सिलेबस में क्या लिखा कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन तीन चीजों पे फोकस करके उस हिसाब से पढ़िए आप ठीक है बियॉन्ड दैट नथिंग विल हेल्प यू ठीक है स्ट्रेटाइज यस प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन

फ्टर एनवामेंट डिजास्टर मैनेजमेंट हर साल दो क्वेश्चन आते हैं इससे और आप जी एस वन का भी ले लोगे तो तीन चार क्वेश्चन हो जाते हैं अगेन वैल्यूर मटीरियल यू माइट माइट थिंक दैट आई एम प्रोमोटिंग पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन नो आई एम नॉट ट्रस्ट मी विजन का जो वैल्यूर मटीरियल है डिजास्टर मैनेजमेंट का नाइन्टी पेजेस का बुकलेट है इट इज वेरी हैंडी यू शुड रीड इट यू मस्ट रीड इट एंड यूल हैव टू रीड इट टू क्लियर दिस एग्जाम रेस्ट मुझे नहीं मालूम कि और भी कोई मटीरियल है अवेलेबल प्लीज शेयर द जोक्स विद मी एज वेल फोमो जैसी फीलिंग आती है आप लोग आपस में बहस कर लेते हो तो <laughs> चलो कोई नहीं वॉट एल्स इज देयर इज देयर इन जी एस थ्री सर हाँ जी एस फोर आई वॉन्ट टू दैट एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है अगेन वैल्यूएड मटेरियल हाईलाइट कर लेना उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक योर ओन माइक्रो नोट्स एंड स्टिक टू इट एवरी अटेम्प्ट में आपको सिर्फ वो माइक्रो नोट्स काम आएंगे और कुछ नहीं काम आएंगे एग्जाम के एक दिन पहले माइक्रो नोट्स यू शुड मेक योर नोट्स इन सच अ मैनर कि आपको एग्जाम के पाँच छः घंटे में आपके एक दिन पहले जो भी पाँच छः घंटे मिले उसमें आपका एक पेपर कम्प्लीट हो जाए यस yes, एक पेपर क्योंकि अब आप कोई नोट्स बना रहे हो उसके अंदर आप एक एक स्टेटमेंट नहीं लिखोगे कि डेफिनेशन ऑफ नक्सलिज्म इन सो एंड सो ना नक्सलिज्म कीवर्ड लिखा आइडियोलॉजी एक लाइन में कॉजेस दो तीन चार पॉइंट मेजर पॉइंट उसके अंदर भी सब पॉइंट नहीं लिखोगे आप स्ट्रक्चर सिर्फ स्कीम्स वैसे करके आपको खत्म कर देना है एग्जाम डेटा एंड फैक्ट्स की बात रही है ये डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात रही इट्स द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पेपर थ्री सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेटा फैक्ट्स फिगर्स कमिटीज ठीक है योर ओन रिकमेंडेश योर ओन ऑब्जर्वेशन यू मस्ट मैंशन वॉट इज वॉट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें भी क्वेश्चन आया जैसे डेटा है तो गवर्नमेंट का क्या रोल है उस पर्टिकुलर डेटा प्राइवेसी में या फिर डेटा लोकलाइजेशन में ऐसा करके ठीक है एंड हाउ डू यू कलेक्ट दिज ऑल डेटा थ्री सॉरी पी आई बी हो सकता है यू कैन सिंपली गूगल एवरी टाइम आई हैव डन द सेम अगर आपको पता करना है कि वॉट इज द साइज ऑफ सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया सिंपल गूगल व्हाट है विद गूगलिंग इज दिस इज अ पार्ट ऑफ क्यूरोसिटी अगेन आप गूगल करोगे तो आपको याद रहेगा आपको कोई बता देगा तो आपको याद रहेगा बट अगर आपको बुक में लिखा मिलेगा थ्री ट्वेंटी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है तो आपको याद नहीं रहेगा शायद बट अगर आपने एक बार चार वो लाइन टाइप कर लिया तो आपको मालूम पड़ेगा अरे ये तो मतलब मैंने खुद से सर्च किया हुआ तो आप वो एक आपकी हैबिट बननी चाहिए कि तुरंत जो चीज़ आपको नहीं मालूम है तुरंत गूगल किया वेरीफाइड सोर्स से पता लगाया लिख लिया अगेन लिखना बहुत जरूरी है अदरवाइज इट विल इवोपरेट फ्रॉम योर हेड और अगेन डेटा फैक्ट्स फिगर्स कम क, और कमिटीज का एक कंपाइलेशन का एक नोट्स नोट बुक बना लीजिए कि जी एस वन में ये टॉपिक है इसमें यह कमेटी मैं लिखूंगा या लिखूंगी जी एस टू में ये टॉपिक है इसके मैं ये कमेटीज लिखूंगी जैसे पंचायत आया तो पंचायत के ऊपर दो तीन कमेटी है सुमित बोस कमेटी है इस टाइप की कमेटीज के नाम लिख लीजिए आप ठीक है हर पेपर में हर टॉपिक के ऊपर आप डेटा कमेटी डेटा कमेटी लिख लीजिए और पेपर टू में तो हर आर्टिकल्स वगैरह तो इट्स अनसेट थिंग मेनी ऑफ द टॉपिक मस्ट हैव ऑलरेडी मेंशन इट सो आई एम आई एम ट्राइंग टू स्किप मेनी ऑफ द पॉइंट्स एज वेल बिकॉज आई नो यू आर ऑब्वियसली अवेयर ऑफ द थिंग्स यू माइट हैव कम अक्रॉ मेनी पीपल आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द थिंग दैट आई माइट आई थिंक दैट यू यू शुड बी नोइंग अबाउट इट एंड नॉट मेनी नॉट एवरी वन माइट है द सेम पॉइंट

आप क्या कीजिए वैल्यूएडेड मटेरियल उठाइए ठीक है, है? उसमें से आप माइक्रो नोट्स लिख लीजिए चार ही पांच टॉपिक है वॉलबल सेक्शन ट्रांसपेरेंसी गवर्न ये सब ठीक है तो वो आप आराम से कर लोगे उसमें कुछ मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना है मटेरियल है आपके पास अपना खुद का लिखा पढ़ा हाईलाइट कर लिया फर्स्ट रीडिंग में आपने हाईलाइट कर ली हाँ हाँ ये ये चीज़ें हैं सेकेंड रीडिंग जब आप करने आए उसी चीज़ को डॉट 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 काट लिया ठीक है लिख लिया कि ये पॉइंट है आप सोशल जस्टिस बहुत लॉन्ग अफेयर है तो आप ऐसे में सोचना कि मैं इसको वन गो में सब कुछ कंप्लीट कर लूँ नहीं यू नॉट पॉसिबल आप उसे इंग्रीन कर लीजिए आपको हो जाएगा सोशल जस्टिस ऐसा सेगमेंट है कि आपको बहुत स्पेसिफिक एफर्ट नहीं डालना है पॉलिटी कर रहे हो आप गवर्नेंस कर रहे हो आई कीजिए सोशल जस्टिस जो सोशल जस्टिस फेस बिटवीन सोसाइटी और गवर्नेंस और ये सब पॉलिटी तो यू विल नॉट फाइंड दैट इन कवरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई वुड सजेस्ट डू दैट इन द एंड ठीक है मैंने तो स्टार्टिंग में किया ही नहीं था इग्नोर कर दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकेंड में किया थोड़ा बहुत मतलब ठीक से हाँ वॉट एल्स वॉज योर क्वेश्चन हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ठीक है जब मैं जी फोर डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद ना देन आई विल कम अपॉन दैट एनी एल्स क्वेश्चन रिगार्डिंग सो फार ऑन जी एस वन टू थ्री मतलब बहुत सारी ऑब्वियस चीजें स्कीप किए मैंने i want to know from your side as well because it should be a two way interaction i keep on talking i will get tired sir one question is that sir time management problem sir if i see a question we have to write in 7.5 minutes or 10 yes sir we have to think intro as well we have to think conclusion as well in between we have to think the body as well but I, if, if i will take the time sir it is expanding sir uh, maybe 15 minutes mm. if i am writing a an answer sir so you have already prepared the intro or conclusion before seeing the question no i haven't no i will tell you what happens is with more reading more preparation with your own notes in place you will find that the processing time reduces theek hai to intro aapne question dekha ki let's say question hai separation of powers ke upar theek hai aapne question dekha to aapko malum padega ye article hai ye case hai ye intro mein dal sakta hu तो आप जो पढ़े रहोगे ना आपको तुरंत strike करना चाहिए वही लिखने के लिए intro में and intro should be relevant to what the question is कुछ सेगमेंट्स में मैंने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का ब्रॉड आइडिया रखा था जैसे लेट्स से सोशल जस्टिस किसी ने पूछा था तो मैं एसडीजी से रिलेट करता था मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से रिलेट करता था मुझे ब्रॉड आइडिया रहता था मैंने एक्जक्टली exactly नहीं लिखा कि थर्टी नाइन में लिखा है फोर्टी टू में ये लिखा है ब्रॉड आइडिया से आई यूज टू रिलेट एस से रिलेट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से रिलेट कर दिया प्रियम्बुलर वैल्यू से रिलेट कर दिया तो मुझे ब्रॉडली मालूम है कि मुझे ऐसे लिखना है बट मैंने कहीं कंपाइल नहीं किया बट आई विल सजेस्ट यू डू कंपाइल इट इट हेल्प्स कंजिकेटिव रिविजन से क्या होगा कि इट विल कम हैंडी टू यू वेनवर योर राइटिंग एन आंसर ऑटोमेटिक थिंकिंग हो जाएगी आपकी वहां पे लिखने ऑटोमेटिक हाथ से भी निकलेगा लिखते समय और इंट्रो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था किसी का बट आई हैड लॉट्स ऑफ फैक्ट्स तो जैसे ही मैंने वाटर पे देखा तो मुझे पंद्रह फैक्ट्स आ गए अब मुझे दो फैक्ट्स लिखने तो मैं मुझे सोचना ही नहीं पड़ा ना तो मैं क्या करता मेरे पास दो तरीका इंट्रो का आप फैक्ट्स लिखिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर करंट कंटेक्स में या फिर डिफाइन कीजिए क्या चीज़ है आप वाटर को तो डिफाइन नहीं करोगे ठीक है तो उस उसमें फैक्ट लिखिए या फिर करंट कंटेक्स लिखिए आप ठीक है दैट इज द वे फॉरवर्ड आई मिस वन पॉइंट इन जोग्राफी प्लीज मेक मैप्स जितना हो सकता है दो मैप बनाइए एक वर्ल्ड का मैप बनाइए और एक इंडिया का मैप बनाइए बिंदास पूछा लोकेशन ऑफ कोल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब एक ग्लोब वर्ल्ड का मैप बनाइए एंड यू शुड प्रैक्टिस मैप इट शुड हार्डली टेक लेस देन ट्वेंटी सेकंड मतलब पीपल यूज से टेन सेकंड मेरे से आज तक हुआ नहीं ठीक है यू ट्राई टू मेक इट मेक इट एटलीस्ट इन लेस देन ट्वेंटी सेकेंड्स ठीक है मैप बनाओ इंडिया का मैप बनाओ और तब रिप्रेजेंट करो हर जोग्राफी के क्वेश्चन में यू शुड हैव दिस आइडिया मैप बनाना ही बनाना है इफ यू आर नॉट मेकिंग मैप इट सिंपली मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेंचुरिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन हर कोई बनाएगा एवरी अदर कैंडिडेट विल बी मेकिंग मैप एंड इफ यू डोंट मेक मैप एग्जामिनर विल थिंक अरे ये तो न्यू बाई है इसको तो ऐसे ही भगाना है ठीक है यू विल डू द वर्क ऑफ एग्जामिनर लिटिल इजियर एनी मीज और कोई क्वेश्चन सब सब तुर्रम खान है यहाँ पे नाइस टू सी ठीक है मुझे और कुछ याद आएगा तो आई विल जस्ट डॉट डाउन ठीक है विल मूव ऑन टू जी एस फोर जी एस फोर में आई विल सजेस्ट कि आप कोचिंग का जो भी मटेरियल मिलता है आपको वो करिए आप ठीक है क्लास में ध्यान दीजिए और उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड बुक को उठा लीजिए ठीक है अभी क्या चल रहा है मार्केट में कुछ लोग कहते हैं कि एक डी के बालाजी सर थे उनका बुक चलता है ठीक है यू कैन रीड दैट आई रेड दैट ठीक है यू कैन रीड एनी अदर बुक यू वॉन्ट लेक्सिकन पीपल सजेस्ट बट दर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स जस्ट रीड वन स्टिक टू इट रिवाइज दैट मेक योर ओन एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स मेक योर ओन सेट ऑफ थियरीज कैसे को रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ ये सब ब्रॉड आइडिया सबने बताया होगा ठीक है माई पॉइंट इज आई डिड समथिंग डिफरेंट इन जी एस फॉर दिस ईयर

तो आई थिंक वॉट वर्कड इन माई फेवर वॉज आई हैड माई नोट्स मैंने एथिक्स का एक note, नोट बनाया बच्चों की तरह तैयारी शुरू की हर पेज में एक डेफिनेशन लिखता एक की वर्ड पे एक डेफिनेशन लिखता पांच छह एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा शायद एथिक्स में मैं जो पास कर रहा हूँ बुकलेट कोट्स एग्जाम्पल्स की वर्ड्स थियरीज प्रिंसिपल्स फिलोसफीज फिलोसफर्स के नाम सबको लिंक करने की कोशिश करता मैं एक में हर क्वेश्चन में माई आइडिया वॉज टू दैट आई शुड

What I did is after mains examination I packed my bag, I kept my books somewhere, ठीक है I thought I need not to give, I don't want to give this examination again, but whatever be the results, ठीक है तो अब जो जो कुछ कुछ बचा था ये इंटरव्यू के लिए बचा के रखा था तो मिल गया तो ये तो अगेन कीप इन माइंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एग्जाम्पल्स की वर्ड्स प्रिसाइस डेफिनेशन ठीक है यहाँ पे आपका रटना काम आना चाहिए थिक्स में क्या होता है कि In first three attempts, I made my own definition and wrote answers. And it didn't sound well. This time I wrote bookish definition. I mugged it up. Certain definitions, I mugged it up. Secondly, whatever the question is there, try to link with philosophers, theories, quotes, hai. utilitarian theory, aayega you know who is the founder of this theory. Jeremy Bentham, you try to mention multiple theorists: John Stuart Mill, Joby Arthur, Thoms, Hobbes, Joby, Joby, अगर आप फिलोसफर्स को लिंक कर रहे हो थियर, थियर, इस पर्टिकुलर थियोरी के साथ और उसको क्वेश्चन के साथ लिंक कर रहे हो इट जस्ट गिव्स एन एग्जाम्पल दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट सेकेंड इज सेकेंड थिंग टू बी नोटेड इज यू शुड ऑल्सो ड्रॉ एन एग्जाम्पल फिगर इन एथिक्स का पेपर देर वॉज वन क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू की ऑफ गुड गवर्नेंस आई डिड नथिंग आई जस्ट यूज कॉमन सेंस दो गोले बनाए एक में लिखा ट्रांसपेरेंसी एक में लिखा अकाउंटेबिलिटी बीच में बोल दिया मैंने गुड गवर्नेंस है बेसिक कॉमन सेंस ठीक है ऐसे मैंने कुछ कुछ दिमाग में फॉर्मेट रख लिए थे क्या क्या रख लिए एक तो ये गोला हो गया ठीक है तो एक फिगर मैंने ऐसे बना लिया hmm. कुछ नहीं समझ में आता तो मैं इधर कुछ बना देता इधर कुछ बना देता इधर कुछ बना देता कोई किसी ने बोला कि न्यूट्रलिटी इज अ की वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज तो मैंने बता दिया कि हाउ न्यूट्रलिटी ये न्यूट्रलिटी है यहाँ पे वेइंग मशीन टाइप कुछ बना दिया हेल्प्स इन बैलेंसिंग ब्यूरोक्रेसी बायसनेस पार्टीशनशिप ऐसे कुछ कुछ बना दिया मैंने ठीक है यू ट्राई टू कम अप विद योर ओन आइडियाज आई हैड वेरी लिमिटेड आइडिया आई एम नॉट दैट क्रिएटिव इन मेकिंग डायग्राम्स एंड फिगर्स यू माइट बी मोर क्रिएटिव इन दिस आस्पेक्ट मेक यूटिलाइज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स डायग्राम बनाइए कुछ नहीं समझ में आता है जैसे ये ऑनेस्टी है इससे बड़ी चीज इंटीग्रिटी है ठीक है ऐसे किसी गुड गवर्नेंस पे एक डायग्राम ऐसा ऑक्टागन बनाते हैं जिसमें सिंपल सा वो लोग बताते हैं ये आठ वैल्यूज हैं गुड गवर्नेंस के पिलर्स हैं यू कैन मेक दैट एज वेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक मेक इट एंड डोंट हेजिटेट कि अरे एग्जामिनर को बुरा लग जाएगा ही डजेंट केयर्स अबाउट यू ही ओनली केयर्स अबाउट योर आंसर ट्रस्ट मी ठीक है आपने पूछा था कि जी फोर में हाउ डू यू लिंक द मटेरियल सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट के नाइन चैप्टर के बाद आप जाओगे तो यूं दैट इज दंपाइलेन ऑफ रिकमेंडेशन ठीक है एक वो आप उसको प्रिंट करा लीजिए सेकेंड थिंग इज इफ यू रीड इट फ्रॉम पेज नंबर वन यूल्ड मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन दैट बुक आई हैव इनफैक्ट माई सेल्फ रेड दैट बुक मल्टीपल टाइम्स एंड आई गॉट द कोर्ट्स आउट ऑफ इट आई आई गॉट द एग्जाम्पल्स आउट ऑफ इट आई जस्ट हाईलाइटेड इन माई आई पैड एंड आई जस्ट यूज टू रिवाइज दोज थिंग्स ठीक है बार बार आपको क्या जरूरत नहीं है कि यूनिट कीप ऑन डेवलविंग अपॉन द सेम थिंग अगेन आई से हाईलाइट किया मेरे को पढ़ना रिवाइज करना मैंने पढ़ लिया रिवाइज कर लिया मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं वेर आई नीड टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आई मेड माई बुक लिस्ट बुकलेट इट मस्ट बी रोटेटिंग समवेयर उसमें मैंने एक पेज में ट्रांसपेरेंसी का कोई एग्जाम्पल है लिख लिया कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नेपोटिज्म अवॉइड करने का वो कैसे किया गया है वो मैंने लिख लिया दैट इज द वे आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई मतलब माई प्रिपरेशन किसी को और कोई सेकेंड एथिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि वॉट आर इट इज आई जस्ट डिस्कस बेसिक थिंग्स एंड आई वॉन्ट यू टू कम अपर ओन सेट ऑफ क्वेश्चन एंड बॉम्बार्ड मी प्लीज केस स्टडीज देखो मिस हो रहा था अगेन केस स्टडीज में भी मैंने क्या किया था सेम फॉर्मेट लिंकिंग थियोरी विद द पर्टिकुलर केस स्टडी एंड एज पर दिस पर्टिकुलर थी दिस राइट वे ठीक है और कंक्लूजन में आई यूज टू लिंक आर्टिकल वैल्यूज यही सब चीज काम आएगी बार बार सेम थिंग यूल जनरल स्टडीज इज ऑल अबाउट दिस लिंकिंग थिंगस लिंकिंग सिविल सर्विस की जो वैल्यूज है उनको लिंक करिए आप सेकेंड ए की रिपोर्ट जो चीज दी गई है उनको लिंक करिए आप ठीक है दैट्स ऑल यू यू नीड टू डू नो केस स्टडीज का फॉर्मेट इफ आई टेल यू टेल यू इट्स नॉट रॉकेट साइंस यू विल लर्न एंड प्रोबेबली यू विल राइट मच बेटर आंसर देन मी आई एम श्योर ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से चलिए आप ठीक है इफ आई टेल यू नाउ यू वोंट गेट एनीथिंग वॉट आई वॉन्ट टू से जस्ट यूज यूज द स्टैटिक का पोर्शन जो एथिक्स में दिया हुआ है वट एवर इज मैंशन इन पार्टी पेपर का सिलेबसाइड विध प्रसल यू नाउ यू फरगेट इट फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई विल्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियलिटी इम्पार्शलिटी दिस इज इम्पॉर्टेंट सिविल सर्विसेस वैल्यू राइट अभी इम्पार्शलिटी आया तो नेपोटिज्म है इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ पार्शियलिटी फेवरेटिजम है इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ पार्शियलिटी क्रॉनिक कैपिटलिज्म एग्जाम्पल ऑफ पार्शियलिटी जेंडर बायजनेस एग्जाम्पल ऑफ पार्शियलिटी आई कैन रिमेंबर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ठीक है लाइक वाइज यू नीड टू यू नीड टू जस्ट मेक अ डायमेंशन सोशल आस्पेक्ट्स में कैसे इम्पार्शियलिटी है पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स में कैसे इम्पार्शियलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स में कैसे काम आता है ठीक है एंड जस्ट गेट टू थ्री कोर्ट्स ऑन इम्पार्शियलिटी ठीक है एक दो अगर आपको फिगर मिल जाता है कहीं से अच्छा खासा बनाने के लिए इम्पार्शियलिटी के ऊपर कुछ वैल्यूज डिनोट करने के लिए दैट्स वेल एंड गुड दैट्स मोर मच बेटर ठीक है वॉट मोर कैन यू राइट अबाउट इट जस्ट लेट्स डिस्कस तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल फोर्टीन यू कैन दैट एज वेल दिस इज द बेसिस फॉर दैट करेक्ट वॉट एल्स वी कैन थिंक ऑफ इम्पार्शियलिटी कोई ना कोई थिंकर होगा इम्पार्शियलिटी के ऊपर कि, कि ट्रीट एवरी वन इक्वली ठीक है आरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रीटमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा है मुझे याद नहीं अब ठीक है यू मे बी देर इज समथिंग तो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इट यू मस्ट फाइंड समथिंग और ऑन इम्पार्शलिटी यू विल फाइंड डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट इज द वे यू गो ऑन ठीक है दिस इज वन एग्जाम्पल यू नीड टू डू विद एवरी अदर सेगमेंट यू गेट अप एवरी अदर की इन एथिक्स एवरी अदर टॉपिक यू कम अक्रॉस Any other questions? We can discuss, we have much time. Sir, you have not discussed about essay. Ah, essay? Correct. Essay was, uh, I will tell you about my score in essay. First attempt 130, overconfident. Uh, bina gaya. Second attempt 119, I don't know how I, this score got. Third attempt 109. This time I was hoping it should not be less than 100. And I was saved with 110 marks. दिस टाइम एथिक्स एस ए पेपर चेकिंग वॉज वेरी टफ आई फेल्ट मेरी ऑफ माई फ्रेंड्स कुड नॉट स्कोर मोर देन नाइनटीज एज वेल तो अगेन एसे में सी आई वोट से मच बट आप चार छः महीने बाद ही प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कीजिएगा या सात आठ महीने बाद इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ यू हैव नथिंग टू राइट ठीक है यू विल राइट गाय मारी माता दैट काइंड ऑफ एस एट इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है टू कम अप विद द राइट anecdotes write quotes write story you have to read well and with time you will be able to write it's not that one day affair you come across essay you read and you will get up so my format i will tell you i will discuss with you इंट्रो आई यूज टू यूजअली स्टार्ट विद अनेक डोट्स कुछ भी दिमाग में अपने मन में एक स्टोरी बनाया और बाद में बोल दिया कि सो एंड सो पर्सन वॉज एसोसिएड विद इट नो वन नोज अबाउट दैट पर्सन समटाइम्स आई लव्ड, समटाइम्स आई आई ट्रू स्टोरीज, ठीक है यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर इंट्रो विद सम बुक्स ठीक है तो you if you are a book reader then you can mention some of the books that you got this idea from this particular book and then you relate this particular topic of the essay with the book of with that book and you can start with that remember the cliched way of writing essay pestle method that people used to say is not very relevant now what you can do I wrote on one, one essay on smile this year smile is the only chosen vehicle for all the ambiguities Theke? its prima facie does seems very difficult क्योंकि इसमें लिखा स्माइल है क्या लिखोगे स्माइल पे वहीकल ओनली चोजन वहीकल फॉर ऑल सम पीपल पीपल से से दैट इट इज अ अ वेरी इट्स पॉलिटिकल टॉपिक इन सम अदर वे मतलब डिप्लोमेसी में काम आता है ये आई रोट इन अ वेरी जनरल मैनर आई फाउंड दैट पीपल वर दैट यू रोट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर यू विल गेट जीरो मार्क्स बिकॉज आई मिस इंटरप्रेटेड द फेल्ड आई रोट सिंपल स्माइल इज अ चोजन वहीकल इफ यू आर इन डाउट यू सिंपली स्माइल राइट यू समाज स्माइल एंड टॉपिक को ब्रेकडाउन कीजिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे ब्रेकडाउन करना है देर इज नो फिक्सड फॉर्मेट फॉर एसे राइटिंग ठीक है it's the only paper that lets you to be creative and impress the examiner with your writing skills Theek hai? you need not to follow some particular format some particular definite format be free to write just maintain the flow stick to topic stick to interpretation give various dimensions of it so i wrote gandhigiri you know gandhigiri Bhai mbbs mein. narsim kaka ka story i wrote that story with anecdote कि मुन्ना भाई वॉज क्रॉसिंग दैट ठीक है जहा पे नरसिंह काका साफ कर रहे थे एंड ही स्टॉप बाय दैट टाइम मिड वे एंड देन ही हक डिम एंड स्माइल्ड तो वॉट इज दैट दैट इज गांधीगिरी ही मैंशन दैट इट्स गांधीगिरी तो देर वॉज एन एम्बी ग्यूटी संजय दत्त वॉज फेसिंग वेदर टू क्रॉस और नॉट एंड देन ही अगेन फेस दैट वेदर टू वॉट टू डू विद दिस पर्सन क्योंकि ही हैज वॉयलेटेड सम मोरल कोड तो ही स्माइल्ड I, I mentioned this I started with this story I mentioned then I went on to when there is indifferences let's say there is differences between me and some other person and you want to end that conversation there is ambiguity right there is lot of vagueness between our values and views then we I simply smile that means I am not trying to fight with him not trying to argue with him that's it okay so that's a smile I name is 12 सोच सोच करके तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्माइल इज ओनली चोजन वहीकल पहली बात कि ओनली है क्या एम्बिक्यूटीज में क्या हरदम स्माइल वर्क करेगा नहीं दैट इज वन डायमेंशन वन डायमेंशन इज स्माइल इज ओनली चोजन वहीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज सेकंड इज नो स्माइल इज नॉट द ओनली चोजन व्हीकल देर आर अदर वहीकल्स एज वेल वॉट आर दोज वहीकल्स इफ देर इज एम्बिग्यूटी यू ट्राई टू डेवलप ऑन द प्रॉब्लम यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम डिस्कस एंड स्माइल मतलब क्या आप हट जा रहे हो सिंपल क्वायर नॉट ऑलवेज स्म सोल्यूशन ठीक है समटाइम्स यू रिवॉल्टर वॉयट राइट तो दैट वे यू हैव टू थिंक स्माइल इज ऑनलीग्यूटीज अगेन ऑल एम्बिक्यूटीज नो नॉट ऑल एम्बिक्यूटीज में हरदम स्माइल नहीं वर्क करता है तो देर आर थ्री डायमेंशन आई ब्रोक डाउन जस्ट स्माइल इज ऑनली चोजन वहीकल फॉर ऑल एम्बिक्यूटी इस पर मैं कुछ लिखूंगा दिस इज मेजर कंटेंट ऑफ दर एस एस सेकेंड ऑनली चोजन व्हीकल नो देर आर मल्टीपल व्हीकल्स ऑल एम्बिक्यूटीज कोई और एम्बिग्यूटी है तो मैं किसी और तरीके से भी रिजोल्व कर सकता हूं थर्ड आप ऑन ऑल एम्बिक्यूटीज नो स्माइल डजेंट वर्क इन ऑल एम्बिक्यूटीज ठीक है डेट्स इट और मैंने इसी को घुमा फिरा के लिखा कुछ कुछ मुझे आई डोंट रिमेंबर वॉट आई जस्ट रोड वन सेंटेंस आई वॉज नॉट गेटिंग अ डेफिनेशन ऑफ स्माइल आई डोट स्माइल इज अ फाइव लेटर वट दैट कैन टेक यू टू माइल्स आई जस्ट लव एनीथिंग you can write you can be creative i am I, sure that many of you are more creative than me that way you can write essay so try to give an intro decent intro of 150 words 100 to 150 or 180 words not more than that in fact 150 is also too much then come upon the introduction uh, main body part try to first define what is the what is this particular essay about then go up to धीरे 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 फ्लो बनाइए कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं आप एक काम करिएगा इससे जब भी लिखिएगा लास्ट में आप उसे अच्छे से डिस्कस कर मतलब एक फ्रेमवर्क बना लीजिए मुझे ये ये डिस्कस करना है इंट्रो में ये होगा बॉडी में ये होगा कंक्लूजन में ये होगा और वन आवर थर्टी मिनट्स में आपको कम से कम बीस मिनट देना है पॉड्रिंग के ऊपर सोचना है इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या मैं लिख सकता हूँ इसके ऊपर और फ्रेमवर्क बना लीजिए एंड वंस यू स्टार्ट कीप ऑन राइटिंग डोंट लुक यर अंदर यू हैव टू राइट बार बार पीछे जाना है मैंने क्या लिखा है ऐसे दैट इज हाउ वी आई यूज टू राइट एस ए आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट एट एस ए बट हाँ डिसेंट स्कोर आ रहे हैं भगवान की देन से बच गया मैं इस बार ठीक है और आप भी आप भी बच जाओगे डिसेंट लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि बट हाँ देर आर समीपल आई हैव कम देर आर एक्सट्रीमली एक्सपर्ट एट इट आई विल सजेस्ट अने धूरी शेट्टी सर यू मस्ट भी अवेयर ऑफ हिम ठीक है उनकी एक एस ए की बुक आती है वो तो मस्ट रीड है ठीक है लिख लीजिए इसे आप नोट टॉपर कैन मिस दिस ऐसे कि उनकी एक बुक आती है इट्स ऑन पी डी एफ फाइल एज वेल यू कैन गेट इट और उसको फॉलो कीजिए आप तहे दिल से ठीक है दूरी शेट्टी सर का और लास्ट ईयर आई ऑल्सो फाउंड हेल्पफुल दिस पर्टी महेक जैन मैडम का ठीक है शी वॉज सिक्स सेवनटीन और सिक्सटीन सेवनटीन उनकी भी ऐसे की एक उनकी एक चैनल है टेलीग्राम पे उसमें उन्होंने बहुत सारे कोड्स एन एक्डोर्ड्स पोएम्स टाइप में बना के दिए यू विल गेट एन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एस इन दीज आस्पेक्ट्स ठीक है आई एम नॉट गुड एट इट आई एम बींग वेरी ब्लंट हीयर बट दिस टू पीपल कैन हेल्प यू लॉट मोर देन एनी अदर पर्सन ऐसे में ये मत सोचना कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं फर्स्ट रेट राइटिंग पियर रिव्यू करो पियर रिव्यू सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है गो अप टू दिन मिनटस से नहीं मिल रहा राइट एट दीरीज एट ठीक है और कंक्लूजन कैसे देना है अगेन सेम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इंटरनेशनल जो भी हो रहा है इंट्रोडक्शन से लिंक करना है वो सब सेम चीजें हैं मैं बताऊंगा वही चीजें बताऊंगा जो दूरी शेट्टी सर ने लिखी है बट यू गेट दैट बुक डोंट मिस इट बिकॉज इफ यू मिस इट एस द पेपर इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम ठीक है वॉट एल्स यू वॉन्ट टू आस्क मेक दिस फ्लोर ओपन फॉर द डिस्कशन सॉरी सर सर कैन यू गिव ए डिटेल डिटेल अबाउट योर जर्नी सर अबाउट यू आर इन द सर्विस बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई एस एज वेल हाउ सर देखो 2020 में वेन आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन आई गॉट इन टू सर्विस बट आई टूक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव दैट इज कॉल्ड यू एल ठीक है यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन समर्विसज आई पी एस आई आर एस लाइक दिस सर्विसेज आई टूक यूएल आई अपियड फॉर ट्वेंटी वन एक्सामिनेशन अगेन प्रलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन

तो ऐसा नहीं है कि मैं सर्विस में आने के बाद आई वॉज इन वर्किंग एंड देन आई रोट एग्जाम दिस इज मेड आई कान डू दैट आई एम नॉट दैट टैलेंटेड ठीक है तो आप ऐसा मत सोचना कि आपको टाइम नहीं मिलेगा मतलब आप ये लीव लेके वापस एग्जाम दे सकते हो आराम से ठीक है देखो डिपेंड uh, करता है सर्विस टू सर्विस भी जैसे आईआरएस है आईपीएस है इसमें आपको एक साल की एक्स्ट्रा लीव मिलती है ई ओवल कहते हैं हम इसे ठीक है बाकी सर्विसेज में किसी में लीव मिलती भी नहीं है और किसी किसी में आपको तीन महीने की मिलती है जस्ट फॉर द सेक ठीक है बाकी सर्विस में इतन, आप कर भी सकते हो प्रिपरेशन सर्विस के साथ भी लोगों ने किया है बट आई डोंट नो कितना वो फ्रूटफुल होता है ठीक है हाँ बोलिए 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 आवाज़ आएगी सर मेरा सर यूनिवर्सल सवाल है कि हाँ। सर मुझे सर इंग्लिश एकदम नहीं बोल पाते हैं सर एकदम भी नहीं बोल पाते इंग्लिश मीडियम है लेकिन आ, सर ये दिक्कत एक और है कि अगर हम हिंदी में इंटरव्यू देते हैं तो वो जो हिंदी में बोलेंगे वो हम समझ भी नहीं पाएंगे प्योर हिंदी में और अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे तो सर, तो सर क्या बाईलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सर ये बहुत सीरियस है सर. नहीं, देखो, मेरा एक दोस्त है रैंक एंड वो पिछली चार बार से इंटरव्यू दिया उसको इंटरव्यू दिस टाइम ही इज फ्रॉम आई आई टी आई विल नॉट टेल हिज नेम ही इज फ्रॉम आई आई टी एंड आई आई टी कानपुर टू बी मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज और चार बार इंटरव्यू दिया वन फिफ्टीज में स्ट्रक था इंग्लिश मीडियम से मेन्स लिखते थे वो दिस टाइम ही अपियर एंड हीज कोड वन नाइनटी एंड ही गेव द मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज द हिंदी ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आउटराटली शुद्ध हिंदी में पूछेंगे कि मतलब इतना शुद्ध पूछ देंगे कि विशुद्ध हो जाएगा वो समझ गए ऐसा नहीं होगा ठीक है दे विल यूजअली दे विल आस्क सम टर्म्स यू विल गेट टू नो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट स्टेज दे विल आस्क इन सिंपल इन हिंदी एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट यू कैन बी बाय लैंग्वेज इंग्लिश में भी बोल सकते हो ऐसा नहीं कि आपको एकदम शुद्ध हिंदी बोलनी है रिलैक्स अबाउट इट ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे मैंने दिया तो नहीं है बट दिस इज वॉट माई फ्रेंड टोल्ड मी यस

If you don't focus on this aspect, कि जो टॉपिक वही नहीं बात कर रहे हो तो मैं क्या आपको ऐसा नहीं करना है आप लिख सकते हो समझ रहे हो आप क्या आपका डाउट किया वापस से आप पूछिए आप ही का जो था, सर, नहीं, नहीं? आ, सर अगर किसी फिलो, 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 फिलोसफर ने कहा है हुँ. तो क्या हम उससे डाइवर्ट होके अपनी बात कह सकते ऐसे का मतलब यही है ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ यू ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक यू कैन गो डाइवर्ट बट यू नीड नॉट टू डाइवर्ट आउट राइटली दो नहीं स्माइल इज नॉट द चोजन वहीकल नहीं ऐसे नहीं करना है इतना इतना नहीं होना है ठीक है यू कैन बी रिसेंटली से कि हाँ भाई आई हैव डिफरेंट व्यू नो प्रॉब्लम इन दैट ठीक है नेक्स्ट सर कैन यू शेयर अबाउट योर इंटरव्यू देखो चार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया मैंने दो फॉरेस्ट का तीन सिविलस के इंटरव्यू में मेरे स्कोर बहुत कम रहे हैं मतलब इतना इंसल्टिंग भी नहीं रहा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं 151 168 168 दिस ईयर आई स्कोर 198 एंड दिस इज लक फैक्टर दिस इज लक दिस इज नॉट दैट आई एम आई हैव बिकम डेमिगॉड इन 1 ईयर ना दिस इज लक बिलीव मी ट्रस्ट मी प्रोसेस सम और अदर डे आपके आपका भला होना ही है नहीं होगा तो बात अलग है कुछ और देख लेंगे बट ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझे खुद नहीं मालूमटीट कैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन सेवेंटी दैट नॉट मोर देन दैट एंड आई थिंक वॉट वर्क इन माई फेवर दिस ईयर वॉज आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट माई फॉरेस्ट सर्विसेस इंटरव्यू आइस कोड वन सेवेंटी टू आई

कन्वर्ट इन टू सिविल सर्विस इंटरव्यू दिस इज जस्ट वन फिफ्टी सेवन मार्क्स मतलब स्केल डाउन करोगे अगर आप टू सेवेंटी फाइव के स्कोर में से अगेन आई वॉज इन वन फिफ्टी सिक्सटीज़ में आई वॉज टक आई डोंट नो वॉट टू डू बट दिस टाइम आई वॉट टू थिंग्स आई डिड डिफरेंट वॉज नॉलेज मेक योर इट मेक दैट योर आर्सनल ठीक है एंड बाई नॉलेज आई डोंट मीन कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है यू शुड बी डूइंग एवरी थिंग वॉट इज इन दिलेबस दैट इज़ नॉलेज ठीक है वन थिंग सेकेंड डिलीवरी यू शुड बी थॉरो विद योर आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन एंड वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे फ्रॉम योर साइड दैट्स ऑल आप हिंदी में भी वही चीज बता सकते हो आप इंग्लिश में भी वही चीज समझा सकते हो आप कन्नड़ में भी वही चीज समझा सकते हो इट डजेंट रियली मैटर्स ठीक है तो यू शुड बी एक्सप्रेसिव यू शुड कन्वे योर आइडियाज वन थिंग अगेन वाइल मॉक इंटरव्यू समी सीनियर ब्योक्रेट्स मेन्शन मी दै आर नॉट अस्पायरिंग फॉर अ सर्विस सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन सर्विस देशन की आप ऐसा करो आप स्टैंड लो आपको जब क्वेश्चन बोला जा रहा है यू डोंट बी बैलेंस्ड कि नहीं सर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश नो यू नीड नॉट टू डू दैट यू आर फाइटिंग फॉर अ वन पोस्ट दैट इज आई और उसमें केवल आपको हर मोड पर डिसीजन लेने हैं एंड यू डोंट हैव टाइम टू टेक बैलेंस डिसीजन एंड यू के नॉट कीप ऑन डीलिंग जजमेंट करेक्ट आई डिड द सेम आई टूक दैट एज अंत्र टू माई हार्ट एंड मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस वॉट एवर दे आर्गज मी आई डिड नॉट आई वेरी रेयरली आई गिव बैलेंस्ड जजमेंट ठीक है एंड वेर एवर आई गिव बैलेंस जजमेंट आई जस्टिफाइड इट दैट इज वॉट यू हैव टू डू एज अ ब्यूरोक्रेट इफ यू आर नॉट गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर वॉट एवर स्टैंड यू आर टेकिंग दैट मीन्स यू आर वेरी आर्बिट्री एंड यू आर यूजिंग योर डिस्क्रिप्शनरी पावर इन वेरी इररेस्पॉन्सिबल मैनर दिस इज माई व्यू सो दैट माईट हैव हेल्प्ड इन माई फेवर अगेन दैर इज अ बिग फैक्टर ऑफ लक टू वॉट आई डेडिकेट ठीक है अदरवाइज मैं दो सौ ढाई सौ सोच रहा था वो वन फिफ्टी मार्क्स होता इंटरव्यू में तो दो सौ बीस रैंक होती ठीक है वन सेवेंटी होता तो एक सौ साठ वाट के आसपास होती तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक सौ साठ भी नहीं वन एटी चली जाती तो दिस इज लकॉर्चुन फेवर्स द ब्रेव, तो अब अपने को भी थोड़ा साथ मिल गया हाँ। Sir, sell so, this site okay, okay, yes, especially for environment IR for geography so so should we start giving tests from right now onwards for first we have to prepare some content uh, again, I told you see I again I mentioned very clearly one thing only mm books -hmm. try to do two revisions two reading is must right I mentioned this after this you will start for mains and in this mains also you have to pre balance your optional एंड डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ फिल्म वेल तो जो टेस्ट है आपका आप ये दो रिविजन के बाद आप कर सकते हो क्योंकि एक रिविजन में तो आपको पता ही नहीं होगा यू विल जस्ट ये एंगर में बोलोगे मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा ये तो मेरे बस का है ही नहीं अगेन यू विल स्टार्क नो नीड ऑफ दैट यू कैन प्रोबेबली दिस इज माई अप्रोच आई वॉट आई डिट वॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट आई वॉज स्कोरिंग इन सेवन सेवनटी सिक्सटीज तो मन नहीं करता दिमाग खराब हो जाता है बीच में so what you can do is you can wait for four or five months of preparation and then start testing upon yourself तीन दो तीन revision के बाद will become very easy for you and you will be in a very comfortable position but हाँ ये सब तब होता है जब आप मन से पढ़ते हो लापरवाही से पढ़ोगे आपको लगेगा कि कोई चमकता हुआ तारा आएगा हमारा भविष्य बना के जाएगा तो ऐसे नहीं होता बींग वेरी ऑनेस्ट पढ़ो आप मन से होगा सर सम क्वेश्चन आर वेरी year इन think लाइक क्लाउड क्लाउड रिलेटेड क्वेश्चन कलर क्लाउड सर सम क्वेश्चन लाइक डी आर एस सर हाउर एनी हाउ राइट इट देखो एवरेज आंसर तो लिख सकते हो ना आप इसके लिए मैंने बनाया स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर शाल हेल्प राइटिंग एवरेज आंसर अभी जो साइक्लोन कलर कोड का था यू नो देर आर थ्री कलर कोड्स और फोर कलर कोड्स इवन इफ यू डोंट नो द एक्ट कलर कोड्स देर आर फोर कलर कोड्स एंड यू आर राइटिंग थ्री ऑरेंज रेड ग्रीन खत्म ठीक है या येल्लो ठीक है आप लिख दो आपको जो समझ में आता है लिख दो एग्जामिनर को मालूम पड़ जाएगा तुम्हें नहीं मालूम है वो तो समझ जाएगा तुम तुक्का मार रहे हो कुछ कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो डजेंट मैटर यू कै नॉट एफोर्ड टू यू शुड राइट इट वॉट एवर लिमिटेड कंटेंट यू हैव यू राइट इट दैट्स इट और विद मोर नॉलेज मोर कंटेंट मोर आंसर राइटिंग ना यू विल कम एट अ पॉइंट कि आप बोलोगे अरे ये क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं है फिर भी मैं लिखूंगा इसके ऊपर आई डिड नॉट नो अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप दिस टाइम ठीक है एंड To your surprise, I will tell you. In last attempt, there was one question about uh, S-400 features. We every day read this in Current Affairs magazine. We, I didn't knew about this detailed features. I just, I just blatantly wrote something, something. Compared with Iron Dome missile system, compared with THAAD missile system of, I, I knew these two terms very well. Compared with the US miss system, and just mentioned something, something. Then I. केम बैक एंड आई चेक जो भी दो तीन पॉइंट मैंने लिखे दोनों तीनों सही लिख दिए थे मैंने ठीक मैंने गेस्ट किया कि हो सकता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर वो मतलब क्रॉस करके मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन में वो अटैक करे ऐसा कुछ या डिफेंस करे मल्टीपल लॉन्चिंग था वो सबको मालूम था ठीक तो इस टाइप से मैंने कुछ कुछ लिख दिया कि पहाड़ के सिस्टम में ज़्यादा एफेक्टिव सिस्टम है एस फोर हंड्रेड एंड इट वर्कड इट वर्कड इवन आई वॉज शॉक्ड ठीक है तो यू नेवर नो वाट विल कम हैंडी टू यू

दिस इज दिस अटैम्प्ट ठीक है बहुत इस इस अटैम्प्ट और फॉरेस्ट्री में मेरे को इतने मिले थे टू ट्वेंटी नाइन देन टू हंड्रेड इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट आई रेड्यूस दिस ईयर स्कोर आउट ऑफ फोर हंड्रेड दिस इज ठीक है इट्स वेरी सरप्राइजिंग दर इज बिग अनसर्टिनटी विद मैथमेटिक्स एज वेल ट्रस्ट मी आई डोंट एडवाइज माई वेरी नियर फ्रेंड्स इनफैक्ट सम ऑफ माई फ्रेंड्स है डिसंटेड विद दिस ऑप्शन दे ड्रॉप दिस And with three consecutive mains, they decided to drop one. A guy with four consecutive mains decided to drop this optional. Sometimes it works in your favor. Sometimes it doesn't work. So please gauge that perfectly whether it works in your favor or not. It might sound as a very wrong or a very pessimistic view of what I'm trying to convey. But trust me, you should not regret after four five years here that down the lane that this person did not want me regarding this optional. सो आई ऑलवेज वॉन्ट पीपल एंड इफ द पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेट आई कैन जस्ट बैश अप मैथामेटिक्स आई डोंट नीड एनी वन सपोर्ट तो ठीक है तब तो आप लीजिए देखो मैथ्स ऑप्शनल तो क्योंकि मैं दो हज़ार सत्रह से थोड़ी बहुत तैयारी मैंने शुरू कर दी थी अच्छे से तो मैंने थोड़ा बहुत तीन चार टॉपिक तभी खत्म कर दिया था फिर दो हज़ार अठारह के बाद जो टाइम मिला उसमें मैंने लगभग दस टॉपिक टोटल खत्म कर दिए थे तेरह में से जो दो तीन टॉपिक्स छूटे थे वो फिजिक्स के टॉपिक्स थे और थोड़े फ्रिंज टॉपिक्स थे जो मुझे थोड़ा कम समझ में आता था और मॉडर्न अल्जेबरा था ठीक है तो व्हाट आई डिड इज इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई जो भी मैंने टॉपिक किए मैंने अच्छे से किए शिद्दत से ठीक है टाइम लगता है देखो डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट स्किल डिफरेंट एबिलिटीज डिफरेंट कैलकुलेशन एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मैथामेटिक्स आई हैड माई ओन एक्सपीरियंस आई हैड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आई नेवर काउंटेड मुझे कितने महीने लगे आई रियली डिन काउंटेड एंड नो अन काउंट्स आई डोंट नो हाउ पीपल से देट मेरे को आठ महीने लगे चौदह महीने लगे मुझे नहीं मालूम मैंने कभी गिना नहीं मैंने बस पढ़ता था मैं ठीक है बट uh, तो आई नो दैट बाई द एंड ऑफ फर्स्ट वन ईयर फर्स्ट वन ईयर ऑफ जर्नी फ्रॉम ट्वेंटी एटीन टू ट्वेंटी नाइनटीन दस ग्यारह टॉपिक्स हो चुके थे एंड आई वॉज रिसेंटली प्रिपेयर फॉर मैथामेटिक्स आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार दो सौ सत्तर अस्सी तो आ ही जाएंगे दैट डेंट वर्क इन माई फेवर दैट ईयर एनी वेज so what you can do is mathematics may keep in mind that you need to use pen and not your mouth if for reading always practice for mathematics try to go with the multiple standard books not some coaching institutes ka material it doesn't helps and the, gone are the times when there used to be repetition of easier questions the, mathematics has been a completely different now i will not suggest for and coaching institutes might not help you as well

सर एवरी डे देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फेक्शन तो हाउ डू वी नो दैट इट विल बी वर्थ इट एट सम टाइम और एट सम समयर सर जितना भी पढ़ लेते हैं एट द लास्ट यही लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ाए और सर हमेशा कहीं ना कहीं मतलब पूरे दिन में अगर जो भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं कुछ भी फॉलो कर रहे हैं बट सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर हमें कुछ आ नहीं रहा है देखो आई अंडरस्टैंड योर व्यू आई वॉज इन द सेम डायलेमा एज यू आई हैड बीन थ्रू द फेज और लगता था कि आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट और लगता था कि कहाँ फंस गए नौकरी कर लिए होते कोई छोटी मोटी सही यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है ठीक है पता नहीं था मतलब इवन टू मी स्टैंड अप एट दिस स्टेज एंड से दैट नहीं इट विल बी वर्थ एंड यू विल बी फाइन वन डे i can't say i can't give that kind of commitments struggle guru take care that's that's the destination that's the journey that's the path for what you are aspiring for every day you will have self-doubt and you what you can do is you can do meditation focus try to go for some exercises maybe a jog or maybe walking playing badminton sometime try to try to some explore something new at the same time, keep check on your mental health. Keep talking to your close friends. Not wo chai, pecharcha and bhakati but relevant friends who can understand your emotions maybe more than any other any other person. Maybe keep talking to your family members. That might help you. It's very easy very easy to say at this platform that this can help you. But when these start when these things start haunting you, it's very difficult to cope up with them. So find your own methodology of tackling all this. Okay. And don't tackle this alone. Let your family members also suffer if you are suffering. Let them tell. Yes, you tell them. I am suffering this and this. Then they will respond in a positive way. Surely there is there are positive way, and may you have the strength. May you all have the strength to f to fight these kinds of conditions. I didn't had, and I don't have also. I will tell you very honestly. Hello, sir. Yes, sir. First of all, congratulations for your achievement. Thank you. Uh, एंड सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने बताया कि मेक योर ओन माइक्रो नोट्स फॉर टॉपिक्स बट मैं नोट्स बनाता हूँ सर तो मेरे शॉर्ट नोट्स ना बन के वो लॉन्ग लॉन्ग नोट्स ही बन जाते एकदम शॉर्ट पाते वो उसके लिए मैंने कहा कि आप मल्टीपल रिविजन के बात करिए आप।, आप पहले ही रिविजन में अगर आप शुरू कर दोगे नोट्स बनाना तो आपको पता नहीं मुझे क्या लिखना है यू विल राइट इवन द पैन जो भी है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड करेक्ट तो वंस यू रिवाइज मोर मोर एंड टाइम्स

I was not expecting. I was. I. I didn't conserve anything. I don't know where are they. I need to find them. I need to dig them up. But anyway, I am not interested in digging. Okay. Yeah, thank you, sir. You practice, read more. care okay? With more revisions, you will find yourself in some, some or other day in a comfortable position. But start making after only. आप हाईलाइट कर दो उसमें कि मुझे ये पढ़ना है अगली बारो फिर you, once you get that, अरे ये ही पढ़ना है मुझे तो फिर आप नोट बनाना करो, है? दो तीन रिविजन आप पहली बार में बनाना, बनाना शुरू करोगे तो यू विल स्ट्रगल प्लीज हैंडोर माइक सर मैथ ऑप्शनल के लिए कोई बुक राइटर को, का किस किस सब्जेक्ट टॉपिक्स है तेरा में से तेरा का मैं मॉडर्न की, एक बुक आती है, फिजिक्स की है, दो बुक्स आती है उसकी रिंग थियरी ग्रुप थियरी अलग अलग से लाइन बाय लाइन उसको पढ़, पढ़ दीजिए आप रियलिस दो बुक आती है एक का नाम है सविता नरोरा मलिक ठीक है एक वो और आप एम की भी एक बुक आती है शांति नारायण की एक आती है आप देखना मैथमेटिकल एनालिसिस करके आती है वो वो भी ले लीजिए उसके भी प्रॉब्लम्स अच्छे हैं और यूपीएससी में आजकल से डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ठीक है ये दो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोबेबली इन कमिंग टाइम्स आई विल शेयर आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू राइट ऑल द बुक लिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इफ आई गेट टाइम मे बी इन वन नॉट टू डे आई विल शेयर ठीक है अगेन मैम आई दैट मैथमेटिक्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड हैव

लुक अपू सम इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर बेटर फैसिलिटी इन दीज आस्पेक्ट ठीक है लीनियर अल्जेबरा के लिए आप कृष्णा सीरीज उठा लीजिए और शॉर्क सीरीज की बुक आती है ठीक है इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता की कुछ है और डिफरेंशियल के लिए डिफरेंशियल इक्वेश सीरीज पार्शियल और दोनों पार्शियल और नहीं ओडीपीडी के लिए अगर आप कहोगे तो एमडीआर एम डी आर में भी एमडीआर प्लस एडवांस दो बुक्स है ठीक है

सॉरी टेलीग्राम चैनल है अभी मैं बहुत कुछ डाल नहीं पा रहा हूँ उसमें मैं बता दे रहा हूँ सूर्यबान करके सर्च करना अंडर स्कोर एयर अंडर स्कोर ट्वेंटी सेवन करके मैं मतलब डाल नहीं पा रहा आई एम नॉट गेटिंग टाइम आई एम अंडर प्रोबेशन मतलब टाइम नहीं होता मेरे पास अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं पर कुछ नहीं कर पा रहा हूं और ये पांच साल से हो रहा है वैसे ये तो अगेन आई विल सजेस्ट वन थिंग बिफोर आई लीव दिस क्लास गेट अ बैकअप प्लान ठीक है अपने आप को बैकअप प्लान के लिए तैयार रखना नौ सौ हज़ार सीट्स आती है नॉट एवरीबडी गेट सेलेक्टेड इन टू सिविल सर्विसेज मे बी नॉट दैट ईयर मे बी नेक्स्ट ईयर में सबका नहीं हो पाता एंड आई कैन बेट दैट दिस इज़ वेरी टफ जर्नी मेरी ऑफ यू माई फाइंड नॉट फाइंड योर नेम इन द लिस्ट एंड यू विल बी डिसअपअॉइंटेड विद द रिजल्ट दिस इज द डिस्लेमर आई एम गिविंग बिफोर यू वेंचर इन टू दिस जोन गेट अ बैकअप प्लान गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑफ वट एवर यू टू डू इन लाइफ ठीक है बट डो नॉट्रेट टाइम ऑफ प्रिपेरेशन ओनली इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम चाय पे चर्चा इन ऑल दैट ठीक है कुछ आई थिंक यू ऑल डू है एडुकेशनल बैकग्राउंड मैं बता देता हूं आई स्टडीड इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र ठीक है देर आई टिल टेंथ आई स्टडीड फ्रॉम देयर ट्वेल्थ के बाद भी मैंने वहीं तक आसपास पढ़ा फिर मैंने जेई .E. की प्रिपरेशन की साथ में ही और 2013 में आई क्लियर जे एग्जामिनेशन आई वेंट इन टू आई आई वाराणसी आई डिड देयर इंटीग्रेटेड डू डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर फाइव ईयर्स ठीक है एंड देर आफ्टर आई वेंचर इन सिविल सर्विसेज that's all about my educational background i am yeah. ah i will i will clear that doubt this year in top 20 how many iitians are there any wild guesses not even two or three are there there are 11 candidates from du i heard this i may be wrong but i have seen six people who are from du in top 20 or normal universities so it's not that iitians are <laughs> uh, roaming everywhere in fact in fact the very university level preparation helps you in writing ex answers very well essay articulation expressiveness that all helps you in the journey you have an upper edge as compared to those people they might be uh, m much better in terms of uh, objective prelims and all that but not 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 everybody is that confident not that great th okay? some IITNs are average some IITs are poor in studies and some are good ठीक okay. है डोंट मेक अ जनरलाइजेशन दैट ऑल मेकलाइजेशन आर गुड आई एवरेज आई एम नाउ ओके नहीं क्लियर होता तो लोग यही बोलते से पढ़ के नहीं क्लियर कर पाया क्लियर हो गया तो लोग बोलते अरे लड़का बहुत बचपन से तेज था यही बोलते हैं लोग ट्रू ट्रस्ट मी दिस इज इट इन सोसाइटी यस यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज सर एज ए आई आई कितना चांस बनता है जीरो नहीं नहीं कितना चांस लेना बनता है सिविल सर्विस प्रिपरेशन में हाँ यार मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया तो आई वेंट टू इंटरव्यू स्टेज आई गेव टू इंटरव्यूज आई फेल्ट आई कैन डू इट अगेन वाई नॉट आई आई ट्राइड अगेन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि हो ही जाएगा सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया मतलब थर्ड अटैम्प्ट में हो गया सेकेंड सीरियस अटैम्प्ट तो अब हो गया तो अब मैं रो तो नहीं सकता ना कि यार तीन अटैम्प्ट लग गए होना ही बड़ी बात है अपने आप में आई वुड से अब दो से तीन अटैम्प्ट दीजिए सीरियस ठीक है और आप बार बार प्रीलिम्स में स्टक हो रहे तब तो आपको बैकफुट पे जाना चाहिए ओके ओके और और अगर आप मेंस इंटरव्यू तक तो जा रहे हो तो यू कैन स्टे देयर मतलब ऐसा इंटरव्यू तक तो जा रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट स्टे और कोई क्वेश्चंस चलो कोई बात नहीं हाँ बुक पास कर देना यार मीनवाइल दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इफ कोई मैथ्स ऑप्शनल या किसी को कुछ पूछना हो तो मैं कभी कभी शायद डिस्कशन ग्रुप ऑन कर दू यू कैन जस्ट आस्क क्वेश्चन ठीक है मे बी आई माइट आंसर मतलब हाई चांसेस है कि टाइम अवेलेबल रहेगा तो कर दूंगा ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप यू ऑल हैव अ हेल्दी लाइफ हेल्दी करियर ठीक है गॉड ब्लेस यू ऑल

इवन आई डोट एक्सपेक्ट दिस रैंक आई एम टेरिंग यूस ऑल अबाउट गॉड्स ग्रेस एंड लक ठीक है बट हाँ मेहनत करते रहो मे बी गॉड विल शो हिज ब्ले हर ब्लैसिंग्स ठीक है चलो थैंक यू बुक बुक गाइज यू शुड नॉट लीव विदाउट द बुक